हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग एक एंड टू एंड मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। प्रोजेक्ट है बुक रिकमेंडर सिस्टम। मैंने आप लोगों से पूछा था और आप लोगों ने ही सजेस्ट किया कि बुक रिकमेंडर सिस्टम का प्रोजेक्ट आपको चाहिए। ऑल्दो ये वीडियो मुझे लाइव करना था, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ इस तरह का सिचुएशन आ गया कि आई हैव टू गो समवेयर, और उस वजह से मैं लाइव नहीं ले पाऊँगा। सो द प्लान इज़ दिस कि मैंने पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, पूरा प्रोजेक्ट बना लिया है, और अब उसको शूट करके आई विल पुट अप द कंटेंट। ठीक है, सो सबसे पहले आई वुड शो यू द डेमो। जो एंड प्रोजेक्ट बना है वो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले, एंड देन विल डिस्कस द प्लान ऑफ अटैक। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो चलो गाइज, मैं आपको सबसे पहले डेमो दिखाता हूँ। बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे सबसे पहले जब आप वेबसाइट को लोड करोगे तो होम पेज पे आपको टॉप 50 बुक्स दिखाई देती हैं। ठीक है, टॉप 50 बुक्स कैसे निकाली है मैंने वो आपको वीडियो में आगे समझ में आ जाएगा, बट यू कैन सी यहाँ पे आपको टॉप 50 बुक्स का डिटेल मिलता है। डिटेल में क्या क्या मिल रहा है, बुक का नाम, बुक का ऑथर का नाम, कितने वोट्स पड़े हैं और एवरेज रेटिंग क्या है। ठीक है, और बुक का इमेज। मेन जो सेक्शन है वो है ये रिकमेंड सेक्शन, जहाँ पे आप इस जगह पे किसी भी बुक का नाम डाल सकते हो, जैसे कि मैंने हैरी पॉटर डाला। और जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो आपको चार रिकमेंडेशंस मिलते हैं। एक्चुअली आप 5, 10 कितने भी रिकमेंडेशंस निकाल सकते हो, मेरे यूआई के हिसाब से 4 मैंने डाल दिए, बट आप इसको कितना भी बढ़ा सकते हो। सो अगर मैं यहाँ पे लेट्स से दाविंची कोड डालूं तो दीज आर द रिकमेंडेशंस, एंजल एंड डेमोन, 1984 डालने पे एनिमल फार्म। सो ठीक ठाक काम कर रहा है ये, एंड दिस इज द वेबसाइट। ये वेबसाइट बनाने के लिए इस बार मैंने स्ट्रीमलेट यूज नहीं किया है, जनरली मैं अपने वीडियोस में स्ट्रीमलेट यूज करता हूँ। सो आई थॉट कि इस बार थोड़ा अलग करते हैं, इस बार फ्लास्क से हम लोग बनाते हैं। तो आप नोटिस करोगे कि इस वीडियो में थोड़ा ज्यादा वेब डेवलपमेंट का पार्ट भी रहेगा, जहां पे हम स्क्रैच से ये वेब पेजेस पूरा बनाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द डेमो, यही हमें बनाना है इस पूरे वीडियो में। सो दैट वॉज द डेमो गाइज। अब मैं आपको प्लान ऑफ अटैक बताता हूँ। इस पूरे वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पहले ये पढ़ेंगे कि रिकमेंडर सिस्टम्स क्या होते हैं, उनकी क्या ज़रूरत है और उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हम लोग हमारा मॉडल बिल्डिंग स्टार्ट करेंगे, हम लोग एक रिकमेंडर सिस्टम बनाना स्टार्ट करेंगे गिवन डेटा के ऊपर। जैसे ही हम अपना मॉडल बना लेंगे हम लोग पार्ट 3 पे मूव करेंगे, जहाँ पे हम उस मॉडल को एक वेबसाइट में डिप्लॉय करेंगे, जो वेबसाइट मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई। और पार्ट 4 में हम उसको हेरोकू पे डिप्लॉय करेंगे, एज इन ऑनलाइन कर देंगे, सो दैट कोई भी उसको यूज़ कर पाए। ठीक है, तो इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके ये एंड टू एंड प्रोजेक्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट 1। सबसे पहले अगर आप रिकमेंडर सिस्टम बनाना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि रिकमेंडर सिस्टम होता क्या है, उसकी एक समझ होनी बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर आप डेटा साइंस में कंसिडरेबल टाइम स्पेंड करो तो आपको पता होगा कि हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि आप एक रिकमेंडर सिस्टम बनाओ। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि रिकमेंडर सिस्टम होता क्या और उसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है कि इतना डिमांड है मार्केट में। तो रिकमेंडर सिस्टम नाम से समझ में आ रहा है, एक ऐसा सिस्टम है जो चीज़ों को रिकमेंड करता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये सिस्टम। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आई एम अ 90s किड और मुझे याद है मैं बचपन में अपनी मम्मी के साथ जब शॉपिंग के लिए जाता था तो वहाँ पे कपड़ों की दुकान में एक बंदा खड़ा रहता था और उसका काम होता था यूज़र के प्रेफरेंसेस के हिसाब से कपड़े निकाल के दिखाना और इतने अच्छे कपड़े दिखाना कि सामने वाला बंदा कन्विंस होकर कपड़े खरीद ले। तो वो जो बंदा है ना, उसी को आप रिकमेंडर सिस्टम बोलते हो। अब आज की डेट में दुनिया इवॉल्व हो गई है, इंटरनेट वाली इकोनॉमी आ गई है, हर चीज़ ऑनलाइन मिलती है। अब ऑनलाइन मिलने में प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारी चीज़ें, अमेज़ॉन पे 6 करोड़ प्रोडक्ट्स हैं, यूट्यूब पे करोड़ों वीडियोज़ हैं, Gaana.com पे लाखों गाने हैं। एज अ यूज़र जब मैं घुसूंगा उस प्लेटफॉर्म में तो मुझे कौन सा गाना सुनना है, उसका नेक्स्ट कौन सा गाना सुनना है, ये कैसे डिसाइड होगा, यहीं पर रिकमेंडर सिस्टम आता है। सो रिकमेंडर सिस्टम इज़ बेसिकली अ पीस ऑफ कोड विच इज़ इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड यूज़र का प्रेफरेंस और फिर उसके हिसाब से वो नया कॉन्टेंट सजेस्ट करता है। ठीक है, टारगेट क्या होता है रिकमेंडर सिस्टम का, प्रॉफिट को बढ़ाना। सो अगर यूट्यूब है तो ज़्यादा देर तक यूज़र को प्लेटफॉर्म पर रखना ताकि ज़्यादा एड्स देखे। अगर अमेज़ॉन है तो ऐसे प्रोडक्ट सजेस्ट करवाना कि वो खरीद ले ताकि पैसा आए। सो रिकमेंडर सिस्टम का काम है यूज़र के प्रेफरेंस के हिसाब से सजेशन देना
ताकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। ठीक है, रिकमेंडर सिस्टम होता क्या है, इट इज़ बेसिकली अ पीस ऑफ कोड विच इज इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड वॉट यूजर वॉन्ट्स, दैट्स इट, रिकमेंडर सिस्टम यही है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिकमेंडर सिस्टम के टाइप्स क्या क्या होते हैं। देर आर फोर प्राइमरी टाइप्स, मैं आपको चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। सबसे पहला जो रिकमेंडर सिस्टम होता है वो होता है पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम, जहाँ पे आप एक प्लेटफॉर्म पे जो सबसे पॉपुलर चीज़ है वो निकाल करके अलग रख देते हो और वही हर किसी को रिकमेंड करते हो। जैसे यूट्यूब पे ट्रेंडिंग का सेक्शन है, सो जो भी सबसे ट्रेंडिंग वीडियोज़ हैं वो एक ट्रेंडिंग वाले टैब में दिखाए जाते हैं। IMDb टॉप 250 मूवीज़ का एक रिकमेंडर सिस्टम है, जहाँ पे IMDb पे जो बेस्ट 250 मूवीज़ हैं वो आपको रिकमेंड की जा रही हैं। ठीक है, तो आई गेस आपको समझ में आ रहा है कि पॉपुलैरिटी बेस्ड इंजन क्या करता है। वो यूज़र के प्रेफरेंस के हिसाब से काम नहीं करता, वो प्लेटफॉर्म पे जो टॉप प्रोडक्ट्स हैं उनको अलग करता है और वो सभी को दिखाता है। ठीक है, तो सबसे सिंपल वाला हो गया ये पॉपुलैरिटी बेस्ड। सेकेंड जो होता है उसको बोला जाता है कॉन्टेंट बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम, प्रोडक्ट के मतलब प्रोडक्ट के या कंटेंट के सिमिलैरिटी के बेसिस पर रिकमेंडेशन होता है। अगर एक फ़ोन यूज़र को पसंद है तो उसी के जैसा दूसरा फ़ोन भी यूज़र को पसंद आ सकता है, अगर एक मूवी यूज़र को पसंद है तो सिमिलर मूवी यूज़र को पसंद आ सकती है। ठीक है, थर्ड होता है आपका कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम्स, जहाँ पे यूज़र के पसंद के हिसाब से चीज़ों को रिकमेंड किया जाता है। मैं थोड़ी देर में इसको और अच्छे से समझाऊंगा। फोर्थ होता है हाइब्रिड रिकमेंडर सिस्टम, जहाँ पे आप ऊपर जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, पॉपुलैरिटी बेस्ड, कंटेंट बेस्ड और कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग, तीनों को मिला करके एक अप्रोच डिसाइड करते हो और उस हिसाब से रिकमेंडेशन करवाते हो। तो नेक्स्ट मैं आपको इन चारों का एग्जांपल दूंगा। तो गाइज ये स्क्रीन पे मैंने वो चारों टाइप्स लिख दिए जो हमने अभी डिस्कस किया, पॉपुलैरिटी बेस्ड, कॉन्टेंट बेस्ड, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग बेस्ड एंड हाइब्रिड रिकमेंडर सिस्टम। अब मैं एक एक करके थोड़ा इन सब के बारे में डिटेल में बात करूंगा। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट पॉपुलैरिटी बेस्ड। सो पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम्स का सिंपल सा काम होता है कि आपके प्लेटफॉर्म पे जो बेस्ट या फिर सबसे पॉपुलर चीजें हैं उनको सरफेस पे लेके आना ताकि सभी लोग उसको देख पाए, क्योंकि कुछ कंटेंट या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सभी को पसंद आती हैं। तो आपने नोटिस किया होगा यूट्यूब पे जो ट्रेंडिंग सेक्शन है या फिर IMDb पे आपका टॉप 250 मूवीज का जो सेक्शन है, ये आपका एग्जाम्पल हुआ पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम का। बनाया कैसे जाता है, बहुत सिंपल है। कंपनी जो होती है वो इंटरनली कुछ फॉर्मूला डिसाइड करती है और उस फॉर्मूले के हिसाब से जो भी कंटेंट ऊपर आता है वही आप दिखा देते हो। जैसे IMDb के केस में ये रहा वो फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, वेटेड रेटिंग इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई वी प्लस एम मल्टीप्लाइड बाई आर प्लस जो भी है, और नीचे डिस्क्राइब किया हुआ है। सो हर मूवी के लिए आप ये फॉर्मूले का वैल्यू निकालोगे और जिन मूवीज का ये रेटिंग सबसे ऊपर आएगा वही आपकी टॉप 250 मूवीज में आएंगी। ठीक है, सिमिलरली यूट्यूब ने भी कुछ ऐसा ही निकाला होगा ट्रेंडिंग वीडियोस के लिए, और कुछ फैक्टर्स उन्होंने कंसिडर किए होंगे कि अपलोड होने के बाद कौन सा वीडियो सबसे तेजी से व्यूज बढ़ रहा है, जिसका कितना लोग इंगेज कर रहे हैं, एज इन लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसके हिसाब से यूट्यूब डिसाइड करता होगा कि कौन से वीडियोस ट्रेंडिंग सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो जो पॉपुलैरिटी बेस्ड आपका रिकमेंडर सिस्टम होता है वो जनरली किसी फॉर्मूला पे बेस्ड होता है। ठीक है, अब वो फॉर्मूला सिंपल भी हो सकता है या फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग भी आज जो रिकमेंडर सिस्टम बनाएंगे उसमें हम लोग एक छोटा सा पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम भी ट्राई आउट करेंगे, आपको थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंटेंट बेस्ड। कंटेंट बेस्ड एक्चुअली सबसे इंट्यूटिव है, समझने में सबसे इजी है। कंटेंट बेस्ड में क्या होता है कि एक एग्जांपल लेते हैं मूवी रिकमेंडर सिस्टम। तो मूवीज में क्या होता है, मूवी में अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, मूवी का डायरेक्टर कौन है, एक्टर कौन है, मूवी का जॉनर क्या है, मूवी का कहानी क्या है, मूवी कौन से प्रोडक्शन हाउस ने बनाई। तो आप इन सारे एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे क्या कर सकते हो, दो मूवीज के बीच में सिमिलैरिटी निकाल सकते हो, और इस तरह के रिकमेंडर सिस्टम को बोला जाता है कंटेंट बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम। लॉजिक बहुत सिंपल, अगर मुझे शाहरुख खान की मूवीज पसंद है तो मैं शाहरुख खान की सारी मूवीज देख लूंगा। ठीक है, तो कंटेंट बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम यही होता है। मैंने अपने चैनल पे एक मूवी रिकमेंडर सिस्टम बना रखा है जो कंटेंट बेस्ड है, अगर आप चाहो तो एक बार जाके देख सकते हो। अगला जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, अगला है कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम। यहाँ पे आप आइटम्स की सिमिलैरिटी के बेसिस पे रिकमेंडेशन नहीं करते, आप यूजर ने आइटम्स को कितना रेट किया है
उसके बेसिस पे रिकमेंडेशन करते हो। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो हमारे पास 5 मूवीज हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, 5 मूवीज हैं और हमारे पास 2 यूजर्स हैं, सिर्फ 2 ही यूजर्स हैं, और हमने हर यूजर का हर मूवी के लिए रेटिंग लिया आउट ऑफ 5। मान लो ये हमारा यूजर का रेटिंग है फॉर एवरी मूवी। U1 ने M1 को रेट किया 4, U1 ने M2 को रेट किया 3, एंड सो ऑन। तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूज कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग बेस्ड सिस्टम कैसे काम करेगा कि वो इस पूरे डेटा में हर मूवी को एक 2 डायमेंशनल पॉइंट की तरह लेगा, जहां पे एक्स एक्सिस पे यूजर 1 की वैल्यूज हैं और वाई एक्सिस पे यूजर 2 की वैल्यूज है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, M1 को यहाँ पे प्लॉट कर सकता हूँ। दिस इज M1, कौन से कोऑर्डिनेट पे, 4 और 5 पे। सिमिलरली M2 को भी मैं प्लॉट कर सकता हूँ यहाँ पे, M3 को भी प्लॉट कर सकता हूँ, M4 को भी प्लॉट कर सकता हूँ, M5 को भी प्लॉट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक 2 डायमेंशनल स्पेस में सारी मूवीज को प्लॉट कर दिया। अब लेट्स से कोई मुझसे पूछ रहा है कि बताओ भाई M1 का सबसे सिमिलर मूवी कौन सा है, M1 से सबसे सिमिलर मूवी कौन सा है। तो मैं क्या करूंगा, सिंस ये एक 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है और जहां पे हर मूवी एक पॉइंट है, एक कोऑर्डिनेट है, मैं इस पॉइंट का हर पॉइंट के साथ डिस्टेंस निकालूंगा। यूक्लिडियन डिस्टेंस हो सकता है, मैनहट्टन डिस्टेंस हो सकता है, कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, और जो सबसे पास में होगी मूवी हम वो मूवी रिकमेंड कर देंगे। सो दिस विल बिकम आवर रिकमेंडेशन। ठीक है, तो ये एक बहुत छोटा एग्जाम्पल है कि कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम कैसे काम करता है। ऑब्वियसली यहाँ पे 2 यूजर्स हैं, जब आप एक एक्चुअल बड़े प्लेटफॉर्म पे इसको अप्लाई करोगे तो वहां पे करोड्स ऑफ यूजर्स होंगे। तो जो यहाँ पे 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो वहां पे बहुत हाई डायमेंशन में होगा, करोड्स में होगा। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। आज हम लोग जो बुक रिकमेंडर सिस्टम बनाने वाले हैं वहां पे हम यही प्रिंसिपल यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास जो डेटा रहेगा उसमें बुक्स और यूजर्स ने उन बुक्स को कितना रेट किया, ये डेटा हमारे पास है, और इसी को यूज करके हम कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम बनाने वाले हैं। ठीक है, द लास्ट वन इज हाइब्रिड। सो हाइब्रिड इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ दीज। ठीक है, सो आपने क्या किया, आपने एक पॉपुलैरिटी बेस बना दिया, आपने एक कॉन्टेंट बेस बना दिया, और आपने एक यूजर कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग बेस भी बना दिया। अब आप क्या कर सकते हो, इन तीनों के रिजल्ट्स को मर्ज कर सकते हो। आप थोड़ा थोड़ा वेटेज दे सकते हो, पॉपुलैरिटी वाले को कुछ वेटेज दे दिया, कंटेंट वाले को कुछ वेटेज दे दिया, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग वाले को कुछ वेटेज दे दिया, और आप इन तीनों का जो आउटपुट है उन तीनों से एक नया आउटपुट एक्सट्रैक्ट करते हो और वो आपका रिकमेंडेशन होता है। ठीक है, तो आज के डेट में जितने भी मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स हुआ या अमेजोन हुआ, वो एक्चुअली इनका मिक्सचर यूज करता है, मतलब वो लोग हाइब्रिड रिकमेंडर सिस्टम्स यूज करते हैं। ठीक है, कुछ बहुत खास बात नहीं होती है। अब हाइब्रिड का क्या लॉजिक है, वो कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। कुछ कंपनीज बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से अप्लाई करती हैं, कुछ लोग बहुत सिंपल तरीके से भी अप्लाई करते हैं। तो थोड़ा सा आई वुड रिकमेंड कि आप जाके थोड़ा गूगल पे सर्च करो कि हाइब्रिड रिकमेंडर सिस्टम बनाने का लॉजिक क्या है। यू विल सी कि देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स एंड अप्रोचेस, बट जो भी है मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल बता दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्कशन अराउंड रिकमेंडर सिस्टम्स और उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। नाउ वी आर रेडी एंड नाउ वी विल स्टार्ट आवर प्रोजेक्ट। सो गाइज, लेट मी फर्स्ट शो यू द डेटा दैट यू आर गोइंग टू यूज फॉर दिस प्रोजेक्ट। कैगल पे ये डेटा है, बुक रिकमेंडेशन डेटा सेट, हम लोग ये यूज करेंगे। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पर अपने पास 3 फाइल्स हैं, एक है यूजर्स का डिटेल, एक है बुक्स का डिटेल, और एक है रेटिंग्स जो यूजर्स ने बुक के ऊपर किया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये 3 CSV फाइल्स को डाउनलोड करना है। मैंने कर लिया ऑलरेडी, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो इस फोल्डर में मैंने ये तीनों फाइल्स को डाउनलोड कर लिया है। ऑल्सो मैंने जुपिटर ऑन कर लिया है, जुपिटर में यहाँ पे तीनों CSV फाइल्स दिखाई दे रही हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक नया जुपिटर नोटबुक बनाऊंगा यहाँ पर। सो दिस इज द न्यू जुपिटर नोटबुक, लेट्स रीनेम दिस टू बुक रिकमेंडर सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कुछ इम्पोर्ट्स ले लेते हैं। सो विल इम्पोर्ट, थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं, इम्पोर्ट नंपाई एज NP एंड इम्पोर्ट पैंडास एज PD।
यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम तीनों डेटा सेट्स को इंपोर्ट करेंगे. सो वी वुड राइट बुक्स इज इक्वल टू पीडी डॉट रीड सीएसवी, हमारी पहली फाइल का नाम है बुक्स डॉट सीएसवी. आई विल कॉपी पेस्ट, यहाँ पे आ जाएगा यूजर्स, और यहाँ पे आ जाएगा रेटिंग्स. और ये रही गाइस हमारी तीनों फाइल्स. अगर मैं आपको पहले बुक्स दिखाऊं, तो ये हमारा बुक्स डेटा फ्रेम है. इसमें सबसे पहले आईएसबीएन नंबर है, उसके बाद बुक का टाइटल है, बुक का ऑथर का नाम है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, पब्लिशर का नाम है, और फिर बुक का इमेज यूआरएल है, स्मॉल मीडियम और लार्ज. तो इतना डेटा है हमारे बुक्स वाले डेटा फ्रेम में. अगर आप यूजर्स की बात करो, तो यूजर्स में आपको ये मिलेगा, यूजर का आईडी, लोकेशन ऑफ द यूजर एंड एज ऑफ द यूजर. जितना मुझे पता है, एज में बहुत सारी मिसिंग वैल्यूज हैं, हम लोग थोड़ी देर के बाद देखेंगे. लेट्स गो टू रेटिंग्स. रेटिंग्स में हमारे पास इस तरीके से डेटा ऑर्गेनाइज्ड है, यूजर आईडी जिसने रेटिंग किया, आईएसबीएन एज इन बुक जिसके ऊपर रेटिंग हुआ, और बुक के ऊपर कितना रेटिंग हुआ, 0 से लेके आई गेस 10 तक है. ठीक है, एक बार देख लेते हैं टोटल हमारे पास कितने रोज है डेटा में. तो आई वुड सिंपली प्रिंट आउट बुक्स डॉट शेप, रेटिंग्स डॉट शेप, यूजर्स डॉट शेप. सो हमारे पास टोटल 271,000 बुक्स हैं, 278,000 यूजर्स हैं, और इन बुक्स के ऊपर इन यूजर्स ने ऑलमोस्ट 12 लाख रेटिंग्स की हैं. ठीक है, तो डेटा हमारा इस तरीके से है. कुछ चीजें और जल्दी से पता कर लेते हैं, जैसे कि मिसिंग वैल्यूज कितनी हैं. सो अगर आप बुक्स डॉट शेप के बुक्स डॉट इज नल करो, डॉट सम करो, तो थोड़ा बहुत मिसिंग वैल्यूज है. एक बुक का ऑथर मिसिंग है, दो बुक्स का पब्लिशर मिसिंग है, और तीन बुक्स का इमेज यूआरएल लार्ज मिसिंग है. कुछ खास डेटा नहीं है. ऑनेस्टली आगे हम जिस तरीके से अप्रोच करने वाले हैं, हो सकता है ये मिसिंग रोज ऑटोमेटिकली हट भी जाएं. विल फिगर दिस आउट ऑन द गो. अगर आप बात करो यूजर्स का, तो इसमें एज में ऑलमोस्ट 50% वैल्यूज मिसिंग है. बट द गुड न्यूज इज कि हम गुड न्यूज इज कि हम लोग जो अप्रोच यूज कर रहे हैं, उसमें हम लोग को यूजर के एज की जरूरत नहीं है. इफ वी टॉक अबाउट रेटिंग्स डॉट इज नल डॉट सम, तो कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं है, रेटिंग्स बिल्कुल सही चल रहा है. लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट डुप्लीकेट्स. सो अगर हम बात करें बुक्स का, बुक्स डॉट डुप्लीकेटेड डॉट सम 0, देर आर 0 डुप्लीकेटेड बुक्स. लेट्स टॉक अबाउट रेटिंग्स डॉट डुप्लीकेटेड डॉट सम, अगेन 0 है. ऑल्सो अगर हम लिखें यूजर्स डॉट डुप्लीकेटेड डॉट सम, ये भी 0 है. तो गाइज हम लोग पहले बनाएंगे एक पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम. ठीक है, अब एक चीज मेरी साइड से मैं आपको सजेशन दूंगा कि मैं डायरेक्टली मॉडल बिल्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, बट आई वुड रिकमेंड यू कि आप थोड़ा सा पहले ईडीए परफॉर्म करके देखो. ठीक है, उससे क्या होगा, थोड़ा सा आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा अबाउट दिस डेटा, और आप थोड़ा बेटर तरीके से मॉडल बिल्ड कर पाओगे. सिंस वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं सीधे मॉडल बिल्डिंग पे उतर रहा हूँ, बट आप और अच्छा मॉडल बना सकते हो अगर आप ईडीए अच्छे से परफॉर्म करो, और वो आपको हमेशा करना चाहिए. बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ मॉडल बिल्डिंग. सो वी आर गोइंग टू फर्स्ट बिल्ड अ पॉपुलैरिटी बेस्ड, आई जस्ट राइट इट डाउन, वी आर गोइंग टू बिल्ड अ पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम. ठीक है, हम लोग सबसे पहले एक पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम बनाएंगे. हम लोग कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे, हमारा फंडा बहुत सिंपल है. हम हाईएस्ट
एवरेज रेटिंग वाली बुक्स जो हैं वो दिखाएंगे, टॉप 50 बुक्स जिनकी एवरेज रेटिंग सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब हो सकता है कि किसी किताब के ऊपर सिर्फ दो ही वोट्स पड़े हों, दोनों 10 हो, तो एवरेज रेटिंग तो 10 हो जाएगा। तो हम एक क्राइटेरिया लेंगे कि हम सिर्फ उन्हीं बुक्स को कंसिडर करेंगे जिनके ऊपर मिनिमम 250 लोगों ने वोटिंग की हो। 250 रेटिंग्स के बाद ही आप उस बुक को कंसिडर करोगे। सो हमारा जो पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम है, इट्स वेरी सिंपल, विल डिस्प्ले द टॉप 50 बुक्स विथ हाईएस्ट एवरेज रेटिंग, बट वी विल कंसिडर ओनली दोज बुक्स विच हैव गॉट अ मिनिमम ऑफ 250 वोट्स, ठीक है। तो देखो करना क्या है, अपने को सबसे सिंपली एक काम करना है, सबसे पहले कि रेटिंग्स जो आपका डेटा फ्रेम है जहां पे यूजर्स ने रेटिंग की है और जो आपका बुक्स है, इन दोनों को हम मर्ज कर देंगे, जोड़ देंगे ऑन टॉप ऑफ दिस आईएसबीएन कॉलम। ये आईएसबीएन कॉलम दोनों ही डेटा फ्रेम्स में है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे रेटिंग्स डॉट मर्ज ऑन टॉप ऑफ बुक्स ऑन विच कॉलम, आईएसबीएन, ये रहा गाइस, ठीक है। दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने से जो नया डेटा फ्रेम आया उसका शेप है अराउंड 10 लाख। 10 लाख क्यों हो गया, 11 लाख होना चाहिए था क्योंकि रेटिंग्स में 11 लाख रोज हैं। उसका रीजन ये है कि रेटिंग्स में कुछ ऐसी बुक्स हैं जो बुक्स वाले डेटा फ्रेम में नहीं है, इसीलिए जब जुड़ा तो थोड़े रोज कम हो गए, ठीक है। जो भी है, हमें क्या करना है, हमें ये जो नया डेटा फ्रेम बना है इसको एक नए वेरिएबल में स्टोर करना है, विल कॉल इट रेटिंग्स विथ। ऑल्सो एक बार मैं यहाँ पे डिसाइड करता हूँ मुझे कौन कौन से कॉलम्स रखने हैं। सो मुझे फिलहाल यूजर आईडी नहीं रखना है, इट डज नॉट मैटर किस यूजर ने रेटिंग की है, मुझे रखना है आईएसबीएन। इनफैक्ट आईएसबीएन भी रखने की जरूरत नहीं है, आई शुड कीप बुक टाइटल, आई एम थिंकिंग आगे भी मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो क्या करें, एक काम करते हैं पूरे के पूरे को ही रख लेते हैं, बाद में हो सकता है किसी और कॉलम की भी जरूरत पड़े। ये जो नया डेटा फ्रेम बन रहा है इसको हम बुलाएंगे रेटिंग्स विथ नेम, क्योंकि यहाँ पे बुक का नाम भी है, ये रहा मेरा रेटिंग्स विथ नेम डेटा फ्रेम, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर से हर बुक का एवरेज रेटिंग निकालना है और सिर्फ उन्हीं बुक्स को कंसिडर करना है जिसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने पड़े हैं ग्रेटर देन 250, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बुक टाइटल के बेसिस पे ग्रुप बाय मारेंगे और हम सबसे पहले ये निकालेंगे कि हर बुक के ऊपर कितने नंबर ऑफ वोट्स पड़े हैं, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू इज वी वुड राइट दिस कोड, ग्रुप बाय ऑन टॉप ऑफ बुक टाइटल, ठीक है। बुक टाइटल के ऊपर क्यों कर रहे हैं, आईएसबीएन के ऊपर क्यों नहीं कर रहे, बुक टाइटल के ऊपर इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इस डेटा सेट में देर आर मल्टीपल बुक्स जिनका नाम सेम है बट आईएसबीएन अलग है। सो हैरी पॉटर की एक ही किताब तीन अलग अलग आईएसबीएन नंबर्स के थ्रू भी इस डेटा में है, बट मुझे हैरी पॉटर की किताब, सिंगल किताब के ऊपर वोट्स काउंट करने हैं, दैट इज वाई, ठीक है। ग्रुप बाय करने के बाद मैं लगा रहा हूं काउंट ऑपरेशन और मैं निकाल रहा हूं बुक हाइफन टाइटल और बुक रेटिंग लिख सकते हैं हम, बेसिकली मुझे काउंट ही मिलेगा वैसे भी। की एरर, बुक टाइटल नॉट इन इंडेक्स। एक काम करते हैं खुद से फिल्टर करने के बदले, लेट्स जस्ट ग्रुप बाय। सो किसी को भी ले लेते हैं, बुक रेटिंग को ले लेते हैं, अब मुझे एक सीरीज मिल रहा है, दिस इज अ सीरीज जहां पे इंडेक्स में बुक का नाम है और वैल्यू में उस बुक्स के ऊपर कितनी, उस बुक के ऊपर कितनी रेटिंग हुई है ये बताया हुआ है, ठीक है। अगर मैं रीसेट इंडेक्स कर दूं तो आई शुड गेट अ डेटा फ्रेम जो मुझे ये दिखा रहा है, ठीक है। सो बुक का टाइटल एक तरफ, बुक का रेटिंग, बुक का रेटिंग नहीं है एक्चुअली, वो नंबर ऑफ रेटिंग है,
ठीक है, वो एक तरफ। तो मैं एक काम करता हूं, इसको बुलाता हूं नम रेटिंग डेटा फ्रेम, और नीचे जाके मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरा नम रेटिंग डेटा फ्रेम है उसको मैं रीनेम कर रहा हूं, और रीनेम में मैं लिख रहा हूं कि जहां पे बुक रेटिंग है उसको रिप्लेस कर दो विथ नम रेटिंग से, ठीक है। और इसको रन कर दिया मैंने। ऑल्सो आई वुड राइट इन प्लेस इक्वल्स ट्रू, और अब मैं नम रेटिंग df आपको दिखाता हूं। सो ये रहा गाइस हमारा डेटा फ्रेम। सो यहां पर यू कैन सी पहला कॉलम बता रहा है बुक का नाम, दूसरा कॉलम बता रहा है कि उस बुक के ऊपर कितनी रेटिंग्स पड़ी हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक सिमिलर डेटा फ्रेम बनाएंगे जहां पे फिर से फर्स्ट कॉलम में बुक का नाम होगा, बट सेकेंड कॉलम में उस बुक का एवरेज रेटिंग होगा, टोटल नंबर ऑफ रेटिंग्स डिवाइडेड एडिशन ऑफ ऑल द रेटिंग्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेटिंग्स। सो व्हाट आई वुड डू इज आई वुड कॉपी एंड पेस्ट, और इसको मैं बुलाऊंगा एवरेज रेटिंग। सब कुछ सेम होगा, फिर से हम बुक टाइटल के ऊपर ग्रुप बाय करेंगे, बट इस बार हम लोग काउंट के बदले मीन ऑपरेशन लगाएंगे, बुक रेटिंग कॉलम के ऊपर रीसेट इंडेक्स करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, यहां पे आ जाएगा एवरेज रेटिंग, और मैं एवरेज रेटिंग को प्रिंट कर रहा हूं, एंड दिस इज द रिजल्ट गाइस। फिर से सेम किताब ही है बट इस बार उसका एवरेज रेटिंग आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो डेटा फ्रेम है और ये जो डेटा फ्रेम है, इन दोनों को मर्ज कर दूंगा। सो आई वुड राइट दिस कोड, पॉपुलैरिटी डीएफ इज इक्वल टू नम रेटिंग डीएफ डॉट मर्ज एवरेज रेटिंग डीएफ ऑन, दोनों में सेम कॉलम है, बुक हाइफन टाइटल, और ये रहा मेरा पॉपुलर डीएफ। So, ये रहा मेरे पास एक डेटा फ्रेम जहां पे हर बुक का नाम है, उस बुक की नंबर ऑफ रेटिंग्स है और एवरेज रेटिंग है, ठीक है। टोटल मिला के 241,000 किताबें हैं यहाँ पे। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ उन्हीं बुक्स को रखना है जिनका नम रेटिंग इज ग्रेटर देन 250। सो व्हाट आई वुड डू इज आई वुड राइट दिस कोड, पॉपुलर डीएफ का नम रेटिंग्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 250, और मैं इसको वापस डाल दूंगा पॉपुलर डीएफ में लाइक दिस, ठीक है। और ये मुझे वो सारी बुक्स देगा जिनकी रेटिंग 250 से ज्यादा है और उनका एवरेज रेटिंग क्या है, ये देखो। अब सिर्फ 186 किताबें ही बची जिनके ऊपर 250 से ज्यादा रेटिंग्स हुई हैं, ठीक है। अब बस मुझे क्या करना है, इसको सॉर्ट कर देना। सो आई वुड राइट सॉर्ट वैल्यूज ऑन टॉप ऑफ एवरेज रेटिंग, और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो आई वुड राइट असेंडिंग इक्वल्स फॉल्स। ये रहा गाइस, हैरी पॉटर की सारी किताबें सबसे ऊपर हैं, और उसके बाद एक एक करके बाकी की किताबें। मुझे चाहिए टॉप 50 बुक्स, तो मैं लिखूंगा डॉट हेड 50, ये मेरी सबसे ज्यादा पॉपुलर बुक्स हैं। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है, टू किल अ मॉकिंग वर्ड है, मॉकिंग बर्ड है, द विंची कोड है, 1984 है, तो सारी बढ़िया किताबें हैं, द हिचाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी है, फारेनहाइट 451 है, तो लाइफ ऑफ पाई है, तो ये सारी अच्छी किताबें आपकी सरफेस पे आ गई, और यही बन जाएगा मेरा पॉपुलर डीएफ। पॉपुलर डीएफ एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, पॉपुलर डीएफ इज द टॉप 50 बुक्स ऑन माई प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये मैं अलग से दिखाऊंगा। अब बस मुझे इसमें एक काम और करना है कि मुझे इन बुक्स का ऑथर का नाम चाहिए, इमेज चाहिए, और हो सके तो पब्लिशर का नाम भी चलेगा मुझे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मर्ज करता हूँ फिर से बुक्स के ऊपर, ऑन विच कॉलम, दोनों बुक्स, और इस वाले में एक ही चीज कॉमन है और वो है बुक टाइटल, ये देखो, ठीक है।
इसको आपने जैसे ही रन किया 196 रोज हो गए। उसका रीजन ये है कि हैरी पॉटर का मल्टीपल किताबें हैं विथ डिफरेंट आईएसबीएन नंबर, मैंने आपको बताया था। तो मैं क्या करूंगा, मैं लगा दूंगा ड्रॉप डुप्लीकेट्स ऑन टॉप ऑफ बुक टाइटल। और अब आप नोटिस करोगे हमारे पास 50 ही किताबें बचनी चाहिए। लेट्स फाइंड आउट द शेप। देखो 50 किताबें बची हैं, बट मुझे सारी 50 किताबों का सारा इंफॉर्मेशन मिल गया है, ठीक है। अब यहां से मुझे जो जो चाहिए मैं यहां पे लिख दूंगा। मुझे चाहिए है बुक का टाइटल, मुझे चाहिए है बुक का ऑथर, मुझे चाहिए है ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी रख सकते हैं, बुक का ऑथर हो गया, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, एक इमेज यूआरएल चाहिए ताकि मैं फोटो डिस्प्ले कर पाऊँ, और उसके बाद मुझे चाहिए है नंबर ऑफ रेटिंग्स, सो आई वुड राइट नम रेटिंग्स, और लास्ट में मुझे चाहिए है एवरेज रेटिंग। इतना डेटा मुझे चाहिए है, ये रही वो सारा, ये रहा वो सारा डेटा, ठीक है। आई गेस मैं कुछ मिस नहीं कर रहा हूँ, सही है। और इसको मैं फाइनली पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, और ये रहा मेरा फाइनल पॉपुलर डीएफ जो मैं अपनी वेबसाइट में शो कर सकता हूँ। यही है मेरी टॉप 50 किताबें और उनका सारा डिटेल, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू बिल्ड अप पॉपुलैरिटी बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम। हमने बहुत सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया, एवरेज रेटिंग, और वो भी तब जब 250 वोट्स पड़े हो। अब आप इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के कॉम्प्लेक्स कर सकते हो, बट यू गेट द आइडिया। सो गाइज, अब हम लोग हमारा कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग बेस्ड रिकमेंडर सिस्टम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मैं पहले आपको एक बार अप्रोच बताता हूँ, फिर हम लोग कोड करते हैं। देखो गाइज, अप्रोच बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है कि आपको हर यूजर ने किसी मूवी को, किसी बुक को कितना रेट किया है, इसके बेसिस पे एक रिकमेंडर सिस्टम बनाना है, ठीक है। तो मेरे पास एक बुक्स बोल के टेबल है और मेरे पास एक रेटिंग्स बोल के टेबल है। रेटिंग्स में यूजर आईडी है जिसने रेटिंग की है, बुक की आईडी है जिस बुक पे रेटिंग हुई है, और रेटिंग है कितनी रेटिंग हुई है। मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों को मिला करके, बाय द वे बुक्स में आपको बुक का नाम मिलेगा, मुझे क्या करना है, इस इन दोनों डेटा से एक नया डेटा बनाना है जहां पर कॉलम्स में सारे यूजर्स होंगे, यूजर वन, यूजर टू, डॉट डॉट डॉट, जितने भी यूजर्स हैं वो सारे यहां पर होंगे एज कॉलम्स, ठीक है। और फिर यहां पे इंडेक्स में हमारे बुक्स होंगे, ओके। और यहां पे ग्रिड में हम ये बताएंगे कि इस पर्टिकुलर यूजर ने इस बुक को कितना रेट किया, ठीक है। जैसे ये नंबर क्या बता रहा है कि यूजर टू ने बुक नंबर थ्री को इतना रेट किया, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इस फॉर्मेट में हमारे डेटा को लेके आना है, ओके। अब यहां पर एक चीज और जो मैंने इस डेटा के ऊपर काम करने के बाद रियलाइज किया कि आप हर यूजर को और हर बुक को कंसिडर नहीं करोगे ये रिकमेंडर सिस्टम बनाने के लिए। आप क्या करोगे, आप सिर्फ उन्हीं यूजर्स को कंसिडर करोगे जिन्होंने मिनिमम 200 बुक्स के ऊपर रेटिंग की है। सो इन अ वे आप सिर्फ उन यूजर्स की रेटिंग को वैल्यू कर रहे हो जो बहुत ही एक्सपीरियंस यूजर्स हैं, जो बहुत किताबें पढ़ते हैं और बहुत किताबों के ऊपर रेटिंग देते हैं, ठीक है। और आप सिर्फ उन्हीं बुक्स को कंसिडर करोगे जिनके ऊपर मिनिमम 50 लोगों ने रेटिंग किया है। सो अगर कोई एक बहुत अनपॉपुलर बुक है जो बहुत लोगों को नहीं पता, तो हम उस बुक को कंसिडर नहीं करेंगे। सो इन शॉर्ट, ये सिस्टम इंटेलिजेंट तभी बन पाएगा जब हम ये क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे। क्राइटेरिया क्या है, हम सिर्फ उन्हीं यूजर्स को पकड़ेंगे
जिन्होंने मिनिमम 200 बुक्स के ऊपर रेटिंग किया, बेसिकली नॉलेजेबल यूजर्स, पढ़े लिखे यूजर्स, और हम सिर्फ उन्हीं बुक्स को पिक करेंगे जिनके ऊपर मिनिमम 50 रेटिंग्स हुई है, बेसिकली पॉपुलर या फेमस बुक्स। और जब आप इस डेटा को इस फॉर्मेट में लेके आओगे तो फिर हमारा रिकमेंडर सिस्टम सही बनेगा। अब आप पूछोगे ये 250 क्यों है, 250 भी हो सकता था। तो इसका आंसर है कि मैंने बस एक्सपेरिमेंट करके देखा और मुझे सबसे सही रिजल्ट्स यहीं पे दिखाई दिए। आप भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है। बट यू वुड ऑल्सो फाइंड कि 250 के आसपास में सबसे बढ़िया रिजल्ट हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो आई गेस आपको अप्रोच समझ में आ रहा है, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दिस अप्रोच। तो यहां से अब हम लोग कोलाबरेटिव फिल्टरिंग बेस्ड अप्रोच यूज कर रहे हैं। तो लेट मी क्रिएट अ हेडिंग, ठीक है। अब देखो, हमने थोड़ी देर पहले एक डेटा फ्रेम बनाया था ऊपर, जब हमने मर्ज कर दिया था रेटिंग्स और बुक्स को, और हमें ये डेटा फ्रेम मिला था रेटिंग्स विथ नेम। हम इसको ही यूज करेंगे, रेटिंग्स विथ नेम, ये जो डेटा फ्रेम है ना हम इसको यूज करेंगे। अब हम पहले फिल्टरिंग करेंगे, हम यहां पर सिर्फ उन्हीं यूजर्स के रेटिंग को रखेंगे जिन्होंने मिनिमम 200 वोट्स डाले हैं या 200 रेटिंग्स की हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ग्रुप बाय चलाना पड़ेगा ऑन टॉप ऑफ यूजर आईडी, ठीक है, और हमें निकालना पड़ेगा काउंट, ठीक है। ये देखो हमने काउंट निकाला ऑन लेट्स से बुक रेटिंग, तो ये देखो गाइस, ये रहा हर यूजर का नाम और उसने कितने बुक्स को रेट किया है, ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल मिला के 92,000 यूजर्स हैं। सो हमारे पास टोटल डेटा में 271,000 यूजर्स हैं, बट उनमें से सिर्फ 92,000 यूजर्स ऐसे हैं जिन्होंने कभी किसी बुक को जाके रेट किया है। बहुत बहुत सारे यूजर्स हमारे जैसे हैं, मेरे जैसे हैं, मैंने कभी रेटिंग नहीं की किसी बुक को या फिर किसी मूवी को आईएमडीबी पे जाके, तो बाकी हमारी तरह के यूजर्स हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये क्राइटेरिया लगाना है ग्रेटर देन 200। तो अब देखो, अब जहां जहां फॉल्स आ रहा है ये वो यूजर्स हैं जिन्होंने 200 से ज्यादा बुक्स पे रेटिंग नहीं की, तो ठीक है हमें इनको फिल्टर करके निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टेम्पोरिली इस पूरी चीज को एक्स में डाल रहा हूँ और फिर मैं बूलियन इंडेक्सिंग कर रहा हूँ लाइक दिस। और अब ये देखो, ये वो यूजर्स हैं टोटल मिला के 811 जिन लोगों ने 200 से ज्यादा बुक्स पे रेटिंग की है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इंडेक्स से इन सारे यूजर्स को फेच कर लूंगा। ये रहे वो सारे यूजर आईडीज जिन्होंने मिनिमम 200 बुक्स पे रेटिंग की है। तो इन सारे यूजर के आईडीज को मैं एक वेरिएबल में डाल रहा हूँ, लेट्स कॉल देम पढ़े लिखे यूजर्स, पढ़े लिखे यूजर्स, ठीक है। अब बस मुझे क्या करना है, रेटिंग्स विथ नेम, ये जो अपने पास डेटा फ्रेम है इसमें हम लोग फिल्टरिंग करेंगे। हम ये लिखेंगे इसके यूजर हाइफन आईडी कॉलम के अंदर घुसेंगे, इज इन लगाएंगे और यहाँ पे भेज देंगे पढ़े लिखे यूजर्स। सो इन अ वे मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पूरे 10 लाख रोज हैं इनमें से सिर्फ वो रोज निकाल के दो जहां पे यूजर कौन है, पढ़े लिखे यूजर्स में से कोई एक, ठीक है। और आप जैसे इसको रन करोगे आपको एक बुलियन सीरीज मिलेगी, और आप क्या करोगे, आप इस बुलियन सीरीज को उठाओगे और वापस रेटिंग्स विथ नेम में डाल दोगे लाइक दिस। और ये देखो गाइस, सिर्फ 474 रेटिंग्स बची। इसका मतलब टोटल 10 लाख रेटिंग्स थी, बट उसमें से 4.75 लाख रेटिंग्स इन पढ़े लिखे यूजर्स ने किया। 811 लोगों ने मिलके कितने रेटिंग्स किए हैं, 4,74,000, और बाकी के 92,000 माइनस 811 ने मिलके कितना किया है, जो भी बचा हुआ है, ठीक है, 5 लाख के अराउंड। तो ये जो नया डेटा फ्रेम आ रहा है इसको मैं बोलता हूँ फिल्टर्ड रेटिंग बोल के, ये हमें चाहिए था। तो हमने यूजर्स के बेसिस पे फिल्टरिंग कर दिया, अब हमें फिल्टरिंग करना है बुक्स के बेसिस पे। तो बुक्स का हमने क्राइटेरिया क्या डिसाइड किया था, बुक्स का क्राइटेरिया था, लेट मी शो यू, फिल्टर्ड रेटिंग ये है। हम क्या करेंगे, हम बुक टाइटल के बेसिस पे करेंगे, हम लिखेंगे डॉट ग्रुप बाय बुक हाइफन
टाइटल के बेसिस पे फिर से हम लगाएंगे काउंट ऑन टॉप ऑफ बुक रेटिंग। और ये देखो हर बुक और उसके ऊपर कितने नंबर ऑफ रेटिंग्स हुई हैं। तो अगर मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 50 कर दूं तो मुझे एक बूलियन सीरीज मिल जाएगी। इसको मैं वाई में स्टोर कर रहा हूं और मैं लिख रहा हूं वाई का वाई, बूलियन इंडेक्सिंग कर रहा हूं। एंड यू कैन सी ये वो किताब है जिनके ऊपर 50 से ज्यादा रेटिंग्स पड़ी हैं। तो लेट्स कॉल देम फेमस बुक्स लाइक दिस। ऑल्सो इंडेक्स निकाल लेंगे हम लोग लाइक दिस। तो ये रही हमारी फेमस बुक्स। ठीक है, अब हमें फिर से फिल्टरिंग करनी है तो हम जाएंगे फिल्टर्ड रेटिंग में और इस बार हम लिखेंगे बुक टाइटल कॉलम के ऊपर इज इन फेमस बुक्स। रन करेंगे, बूलियन इंडेक्सिंग करेंगे फिर से लाइक दिस। और अब हमें वो रोज मिल जाएंगे जहां पे सिर्फ उन किताबों का नाम है जो फेमस बुक्स में आती हैं। ठीक है, कितने रोज बचे हमारे पास? 58,000 के अराउंड हमारे पास रोज बच गए। और ये हमारा बन गया फाइनल रेटिंग्स वाला कॉलम। ठीक है, फाइनल रेटिंग्स। यहां पे लेट्स डू अ डुप्लीकेट चेक, देख लेते हैं कुछ डुप्लीकेट्स हैं कि नहीं, क्योंकि आईएसबीएन तो अलग अलग है बट बुक नेम रिपीट हो रहा है। तो लेट्स चेक इफ देर आर डुप्लीकेट्स। सो हमारे पास अभी है 58,000। एक बार क्रॉप डुप्लीकेट्स लगाने पे देखते हैं कितना आ रहा है। 58,000 ही आ रहा है। तो देर आर नो डुप्लीकेट्स एक्चुअली, कुछ ना कुछ अलग है। सही है, तो दिस इज द फाइनल रेटिंग्स। अब बस हमें क्या करना है, इसके ऊपर पिवट टेबल लगाना है। तो हम लिखेंगे डॉट पिवट टेबल और यहाँ पे इंडेक्स में आ जाएगा मूवी बुक का नाम। तो वी वुड राइट बुक टाइटल, कॉलम्स में आ जाएंगे सारे हमारे यूजर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा यूजर हाइफन आईडी और वैल्यूज में आ जाएगा बुक रेटिंग। यूजर हाइफन होगा, अंडरस्कोर नहीं। ये रहा गाइस, दिस इज द फॉर्मेट जिसकी मैं बात कर रहा था। यहां पर देखो आप, यही हमें बनाना है। अब यहाँ पे यूजर्स बस वो हैं जिन लोगों ने 200 से ज्यादा बुक्स को रेट किया है और बुक्स सिर्फ वो हैं जिनके ऊपर 50 से ज्यादा रेटिंग हुई है। लेट्स कॉल दिस पिवट टेबल एज पीटी। और ये रहा हमारा पीटी। पीटी का शेप है 706 क्रॉस 810। तो देर आर 706 बुक्स और 810 ऐसे यूजर्स हैं। ठीक है, एक लास्ट काम कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग फिल एन ए कर देते हैं, जहां भी एन ए एन है वहां पे जीरो कर रहे हैं। इन प्लेस इक्वल्स ट्रू। और ये रहा मेरा पीटी। ठीक है, तो अब हमारा डेटा है सही फॉर्मेट में। अब बस हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने, वो हम लोग नेक्स्ट करेंगे। तो अब गाइज ये जो डेटा हमारे पास है इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और आगे क्या अप्रोच लगाना है वो डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर यू कैन सी हमारे पास सारे बुक्स हैं एज रोज और सारे के सारे यूजर्स हैं एज कॉलम्स। टोटल मिला के हमारे पास 810 यूजर्स हैं, ट्रस्टेड यूजर्स, पढ़े लिखे यूजर्स, और 706 फेमस बुक्स हैं। तो आप एक्चुअली क्या कर सकते हो, यहाँ पे हर बुक को इमेजिन कर सकते हो 1 पॉइंट इन अ 810 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सोच के देखो, यही हुआ ना। आपकी कोई भी किताब को पकड़ो, मान लो आपका बुक 1 है, तो बुक 1 को यू कैन रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ 810 नंबर्स, राइट। बुक 2 को भी आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ 810 नंबर्स। सो इन अ वे हर बुक एक वेक्टर बन चुका है
इन अ 810 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है? तो अगर आप इसको 810 डायमेंशनल स्पेस मानो, तो हर बुक इज अ वेक्टर। और अब आपको क्या करना है, सिमिलर वेक्टर्स निकालने हैं। तो आप क्या करोगे, जितने भी वेक्टर्स हैं, हर वेक्टर के साथ यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालोगे, ठीक है? और उस डिस्टेंस के बेसिस पे ही आपको पता चलेगा कि कौन सी बुक्स सिमिलर है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोसाइन सिमिलैरिटी को इंपोर्ट करेंगे। हम लिखेंगे फ्रॉम एसकेलर्न डॉट मैट्रिक्स डॉट पेयर वाइज इंपोर्ट कोसाइन सिमिलैरिटी। और अब हमें क्या करना है, हमें हमारे सारे रोज का कोसाइन सिमिलैरिटी निकालना है बाकी सारे रोज के साथ। तो हम यहाँ पे भेज देंगे हमारे पीटी को। और ये देखो गाइस, जैसे हम इसको रन कर रहे हैं, हमें एक वेक्टर मिल रहा है, हमें एक 2D नंपाई एरे मिल रहा है जिसका शेप है ये 706 बाय 706। सो बेसिकली मैंने 706 बुक्स का यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाला है 706 बुक्स के साथ, ठीक है? सो अगर आप इसको देखना चाहो तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको स्टोर कर लेते हैं क्योंकि बार बार रन करना पड़ रहा है। सिमिलैरिटी स्कोर, ठीक है? तो आप अगर सिमिलैरिटी स्कोर्स को प्रिंट करो, अब इसमें अगर आप पहले एरे में जाओ तो ये फर्स्ट एरे क्या बता रहा है, जो आपकी फर्स्ट बुक है 1984, इस बुक का बाकी सभी के साथ आपका सिमिलैरिटी स्कोर, ठीक है? 1984 का 1984 के साथ सिमिलैरिटी स्कोर, और फिर बाकी सभी के साथ भी सिमिलैरिटी स्कोर। सो दैट इज वाई ये जो सिमिलैरिटी स्कोर्स बोल के नंपाई आ रहे हैं, इसका शेप है 706 706, ठीक है? हर किताब के साथ सिमिलैरिटी स्कोर हमने निकाल लिया, ठीक है? अब बस हमें एक लास्ट काम करना है, हमें एक फंक्शन बनाना है रिकमेंड बोल के। उस रिकमेंड में आप एक बुक का नाम दोगे और वो फंक्शन आपको पलट करके 5 बुक्स सजेस्ट करेगा, ठीक है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये फंक्शन बनाना है रिकमेंड बोल के। इसको हम इनपुट में देंगे बुक का नाम और ये मुझे रिटर्न करेगा सजेशंस, ठीक है? इस फंक्शन का यही काम है, डमी फंक्शन, मतलब डमी फंक्शन नहीं है, इट्स अ प्रॉपर फंक्शन, बट मैं पहले आपको एक एक करके बताता हूं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें बुक नेम से इंडेक्स फेच करना है, ठीक है? इंडेक्स एज इन कौन से नंबर पे वो बुक स्टोर्ड है। देर आर 706 बुक्स, तो लेट्स से मुझे पता करना है कि 1984 कौन से इंडेक्स पे है, जीरो पे है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम यहां पे जाएंगे और हम लिखेंगे एनपी डॉट वेयर, यहां पे हम लिखेंगे पीटी डॉट इंडेक्स इक्वल टू 1984। देखो यहाँ पे सजेशन आ रहा है, सजेशन नहीं आंसर आ रहा है। अगर मैं इसका जीरो आइटम निकालूं और उसका भी जीरो आइटम निकालूं, ये देखो किसी भी बुक का इंडेक्स नंबर निकल रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो मैं इसका देखना चाहता हूँ, फोर ब्लॉन्ड्स, इस बुक का इंडेक्स पोजिशन क्या है, तो मैं इसको यहाँ पे डालूंगा 3 पे है, ठीक है? सिमिलरली अगर मैं आपको लास्ट वाले का निकाल के दिखाऊं, ये लास्ट वाले का कॉपी ये थोड़ा सा अजीब है, एक काम करते हैं ये जोया का निकालते हैं, ऊपर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। ये देखो 704 पे है टोटल, क्योंकि 706 आइटम्स है तो लास्ट इंडेक्स होगा 705 और ये सेकेंड लास्ट है तो इसका 704 होगा। सो बेसिकली इस तरीके से आप इंडेक्स कैलकुलेट करते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंडेक्स निकाल रहा हूँ, ठीक है? अब एक बार जैसे ही मुझे इंडेक्स मिल गया, तो अब मैं क्या करूंगा, सिमिलैरिटी स्कोर में उस इंडेक्स पे घुसूंगा टू फाइंड आउट द डिस्टेंसेस। तो मैं लिखूंगा सिमिलैरिटी स्कोर्स का इंडेक्स, ठीक है? मान लो मुझे पता करना है कि 1984 जो मेरी फर्स्ट बुक है उसके सबसे सिमिलर आइटम्स कौन से हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिमिलैरिटी स्कोर्स में घुसूंगा और इंडेक्स पोजिशन दूंगा 0, ठीक है? अब ये मेरा 1984 का हर बुक के साथ सिमिलैरिटी है, ठीक है? तो मुझे क्या करना है, मुझे सॉर्टिंग करनी है, जो सबसे ज्यादा सिमिलर है उसको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन्यूमरेट कर देंगे। इन्यूमरेट करने से क्या होगा,
कि डिस्टेंस के साथ साथ आइटम का इंडेक्स भी दिखने लग जाएगा। ये देखो, जैसे जीरो एज इन 1984 का 1984 के साथ सिमिलैरिटी स्कोर ये है, 1984 का सेकंड बुक के साथ सिमिलैरिटी स्कोर ये है, 1984 का थर्ड बुक के साथ सिमिलैरिटी स्कोर ये है। अब मैं क्या करूंगा, सॉर्टिंग करूंगा लाइक दिस। बट मैं जैसे ही सॉर्टिंग करूंगा तो सॉर्टिंग होगा इंडेक्स के बेसिस पे, बट मुझे सॉर्टिंग करना है सिमिलैरिटी स्कोर के बेसिस पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा की इक्वल्स लैम्डा एक्स एक्स का वन। ये देखो, अब ये सॉर्टिंग हुई है आपकी सेकंड वाले के बेसिस पे, और इसीलिए जीरो वाले सारे ऊपर आ गए और सबसे मैक्सिमम वाले नीचे चले गए। ये देखो, सबसे मैक्सिमम सिमिलैरिटी वाले नीचे चले गए। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा रिवर्स इक्वल्स ट्रू। तो अब क्या होगा, सबसे ज्यादा सिमिलर जो आइटम्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे लाइक दिस। सबसे ज्यादा सिमिलर आइटम ऊपर आ गया, ये उसके बाद, ये उसके बाद, एंड सो ऑन। बट मुझे फर्स्ट वाला नहीं चाहिए क्योंकि फर्स्ट वाला तो वो बुक खुद ही है। तो मैं क्या करूंगा, इस लिस्ट में से 1 से 6 तक निकालूंगा। ये रहा 1 से 6 तक, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सिमिलर आइटम्स। तो मैं लिखूंगा सिमिलर आइटम्स इज इक्वल टू दिस एंटायर थिंग। अब एक बार जैसे ही मुझे सिमिलर आइटम्स मिल गए तो मुझे क्या करना है, मुझे लूप चलाना है फॉर आई इन सिमिलर आइटम्स। तो हर बार मैं एक आइटम को पकड़ूंगा और उसका फर्स्ट चीज को निकालूंगा। सो आई वुड राइट प्रिंट आई का 0। इससे मुझे क्या मिलेगा, ये सारे इंडेक्सेस मिल जाएंगे, ठीक है। लेट मी रन दिस वंस। सो अगर मैं लिखूं रिकमेंड और यहां पे मैं पास करूं 1984, तो ये रहे वो सारे इंडेक्सेस। और अब बस मुझे क्या करना है, मुझे नाम प्रिंट करना है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा पीटी डॉट इंडेक्स का आई का 0। ये इंडेक्स पोजीशन में प्रोवाइड कर दूंगा। ये देखो, जैसे पीटी डॉट इंडेक्स करने पे मुझे सारी बुक्स का नाम मिल रहा है। अब मुझे 47 वाला चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 47 डाल दूंगा। एनिमल फार्म 4545 डाल दूंगा। द हैंड्स में टेल, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये कोड मैं जैसे ही रन करूंगा, आई शुड बी गेटिंग द नेम्स ऑफ ऑल द रिकमेंडेशंस। और ये रहा गाइस हमारा रिकमेंडर सिस्टम, ठीक है, इट्स वर्किंग। सो टेस्ट करते हैं। सो टेस्ट करने के लिए मैं कुछ बुक्स का नाम मैंने रखा है अपने पास पहले से। आई विल गो टू अ नोट पैड फाइल। सो यहाँ पे कुछ बुक्स हैं, जैसे कि एक बुक है मैसेज इन अ बॉटल। ये एक बहुत ही रोमांटिक सी बुक है, तो हम इसके बारे में क्वेरी कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, इंडेक्स में यहाँ पे जोया नहीं होगा, माई बैड, दिस शुड बी बुक नेम, ठीक है। बुक नेम से हम फेच करेंगे, दिस शुड बी डायनामिक। ऑल्सो हमने एक चीज और गलत की, सिमिलैरिटी स्कोर हमेशा 0 का निकाल रहे हैं, दिस शुड बी इंडेक्स, जो इंडेक्स कैलकुलेट हो रहा है उससे निकलेगा। ये रहा गाइस रिकमेंडेशंस फॉर मैसेज इन अ बॉटल। सो मैं आपको दिखाता हूँ, मैसेज इन अ बॉटल इज अ वेरी फेमस रोमांटिक सा नॉवल, शायद आप पढ़ो तो आप एंजॉय करो। ऑथर भी बहुत फेमस है, इस बंदे का नाम है निकोलस स्पार्क्स। हाँ, इसकी ये बुक है। अब देखो रिकमेंडेशंस में क्या आ रहा है, नाइट्स इन रोडान थे, ये मुझे पता है। अ वॉक टू रिमेम्बर इज ऑल्सो अ फेमस बुक, इसको एक बार रन करते हैं। एंड यू कैन सी ये भी निकोलस स्पार्क्स की बुक है और ये भी रोमांटिक नॉवेल ही है। तो मोस्ट लाइकली जिसने मैसेज इन अ बॉटल पढ़ा होगा उसको अ वॉक टू रिमेम्बर सही लगेगा, ठीक है। नाइट्स इन दिस शुड ऑल्सो बी अ रोमांटिक नॉवेल इफ आई एम करेक्ट। आई गेस लग तो वही रहा है,
पढ़ा नहीं है मैंने, किताबें तो बहुत पढ़ी ही नहीं है, गवार जैसे कर रहे हैं। तो अगली बुक है द नोटबुक, अगेन अ वेरी रोमांटिक नॉवेल। लेट्स सी क्या सजेशंस आते हैं। सही है, अ वॉक टू रिमेंबर, द फाइव पीपल यू मीट इन हेवन, चेक कर लेना आप, सही आ रहा है वैसे। नेक्स्ट इज 1984, जॉर्ज ऑरवेल की एक पॉलिटिकल नॉवेल है, बहुत ही तगड़ी है, पढ़ना कभी टाइम मिले तो। और देखो पहला ही सजेशन क्या आ रहा है, एनिमल फार्म, जो सेम ऑथर की बहुत फेमस बुक है, ये भी जॉर्ज ऑरवेल की ही है, ठीक है, सेम बंदा। इसकी दो किताबें हैं, एनिमल फार्म एंड 1984। सो अगर आप यहाँ पे जाके एनिमल फार्म सर्च करो तो मोस्ट लाइकली 1984 दिखाई देगा। देखो 1984 दिखाई दे रहा है, तो सही दिख रहा है अभी तक। एक दो चीजें और ट्राई करते हैं, द विंची कोड, बहुत ही फेमस है ये तो। लेट्स ट्राई दिस, द विंची कोड डैन ब्राउन की नॉवेल है, नहीं पढ़ा है तो पक्का पढ़ना, बहुत तगड़ी किताब है। और ये देखो पहला ही आपको दिखाई दे रहा है एंजल्स एंड डेमॉन्स, जो डैन ब्राउन की दूसरी सबसे बढ़िया किताब है, ये दोनों इनफैक्ट सेम लेवल पे है। अगला है द हॉबिट, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से रिलेटेड है ये। लेट्स सी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का सजेशन आता है कि नहीं। ये देखो गाइस सारे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का ही एक पार्ट को पकड़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या सजेशन आ रहा है। हाँ देखो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बाकी दोनों पार्ट्स आ रहे हैं और फिर हैरी पॉटर आ रहा है, जो कि सेम जॉनर है, फैंटेसी जॉनर का सजेशन आ रहा है। लास्ट हैरी पॉटर के लिए चेक कर लेते हैं, हैरी पॉटर की किताब है ये चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स, और इसको यहाँ पे डालते हैं। एंड यू कैन सी सारे हैरी पॉटर की बुक्स आ रही हैं, क्योंकि हैरी पॉटर की काफी सारी बुक्स हैं। अगर आप नंबर ऑफ सजेशंस बढ़ा दो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे अगर आप 11 कर देते तो और ज्यादा किताबें आती, तो यहाँ पे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स आ रहा है और द सीक्रेट गार्डन, जो भी है, मतलब जो भी है, दिस रिकमेंडेशन सिस्टम इज वर्किंग फाइन, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे रिकमेंडेशन जैसे आ रहे हैं उसके हिसाब से दिस वन इज वर्किंग फाइन, ठीक है। अब इसमें आप जाकर के चेंजेस करो अपने हिसाब से। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अब इसको वेबसाइट में कन्वर्ट करूंगा। तो हम लोग वेबसाइट बनाने के लिए फ्लास्क फ्रेमवर्क यूज करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, पाइचाम ओपन करना है। पाइचाम के अंदर हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, लेट्स रीनेम दिस प्रोजेक्ट बुक रिकमेंडर सिस्टम, और प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। सो गाइज ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नई फाइल बनाएंगे, लेट्स कॉल इट ऐप डॉट पी वाई, ठीक है। ये हमारा फ्लास्क का मतलब ये हमारा मेन फाइल होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे, लेट्स कॉल इट मॉडल। यहाँ पे हम अपनी सारी पी के एल फाइल्स एज इन पिकल फाइल्स को स्टोर करेंगे। फिलहाल हम लोग एक बार टर्मिनल पे जाके फ्लास्क इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा पिप इंस्टॉल फ्लास्क, इंटरनेट से कनेक्टेड रहना पड़ेगा। एंड यू कैन सी फ्लास्क इंस्टॉल हो गया, हम एक बेसिक ऐप बना रहे हैं, फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क ऐप इज इक्वल टू फ्लास्क क्लास का ऑब्जेक्ट और एट द रेट ऐप डॉट राउट स्लैश डेफ इंडेक्स रिटर्न हेलो वर्ल्ड, और इफ नेम इज इक्वल टू मेन ऐप डॉट रन डीबग इक्वल्स ट्रू, ठीक है। लेट्स रन दिस कोड।
दिस इज आर बेसिक फ्लास्क एप्लीकेशन, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ही अपना एप्लीकेशन बनाना है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले दो लिंक्स बनाएंगे यहाँ पे। एक जगह पे हम सारी पॉपुलर बुक्स को शो करेंगे और दूसरी जगह हम रिकमेंडेशन के लिए एक बनाएंगे पेज, ठीक है। तो गाइस पहले हम लोग GUI बनाएंगे और फिर हम उस GUI में डेटा डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो GUI बनाने के लिए हमें थोड़ा सा HTML, CSS और Bootstrap का आइडिया होना चाहिए। अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं एक प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वो देख सकते हो। वहाँ पे मैंने बेसिक HTML, CSS पढ़ाया है, वो पढ़ने से आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा। ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल पे HTML, CSS यूज़ नहीं करूँगा, बहुत बेसिक यूज़ करूँगा बस काम निकालने पर, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि एक नया फोल्डर बनाना है और इस फोल्डर का नाम होना चाहिए टेम्पलेट्स। और टेम्पलेट्स के अंदर हम अपनी पहली HTML फाइल बनाएंगे, नहीं हमें अपनी HTML फाइल बनानी है। न्यू पे जाके HTML फाइल और इस फाइल का नाम होगा index.html। ये हमारा जो होम पेज होगा वेबसाइट का उसका कोड यहाँ पे रहेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हमें लिखना है बुक रिकमेंडर सिस्टम। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बूटस्ट्रैप ऐड कर रहा हूँ। तो व्हाट आई विल डू इज आई वुड राइट बूटस्ट्रैप CDN। बूटस्ट्रैप इज अ CSS फ्रेमवर्क, उसको यूज करने से बहुत इजीली आप CSS को यूज कर सकते हो। जैसे मैं बूटस्ट्रैप का 3.3.7 वर्जन यूज कर रहा हूँ, सो आई वुड कॉपी दिस एंड आई वुड पेस्ट इट ओवर हियर, ठीक है। इससे क्या होगा, बूटस्ट्रैप हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगा और अब हम बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बेसिक लेवल पे यूआई डिजाइनिंग करूंगा। सबसे पहले मैं एक नेविगेशन बार ऐड करूंगा यूजिंग द नैव टैग और इसको हम एक बूटस्ट्रैप का क्लास देंगे नैव बार। इसके अंदर वी वुड ऐड अ पैराग्राफ और इस पैराग्राफ में हम लिखेंगे माई बुक रिकमेंडर, कुछ इस तरह का नाम लिख देंगे और इसको हम लोग क्लास दे देंगे navbar-brand। जैसे आप इतना कोड लिखोगे उसके बाद हम लोग एक काम और करेंगे, यहाँ पर एक इनलाइन CSS ऐड करेंगे जहां पे लिखा होगा background-color 00A65A, ग्रीन का शेड है ये। ऑल्सो मैं अपने बॉडी में बैकग्राउंड कलर कर दूंगा ब्लैक का, थोड़ा अच्छा दिखाई देगा, ठीक है। और इतना कोड लिख के आप जैसे ही रन करोगे और ऐसे जैसे ही आप इतना कोड लिखोगे आपका HTML बेसिक रेडी है। अब बस आपको क्या करना है, app.py में जाना है और यहाँ पे आपको रेंडर टेम्पलेट फंक्शन को इम्पोर्ट करना है। सो यू वुड राइट रेंडर टेम्पलेट और यहाँ पे आप क्या करोगे, रेंडर टेम्पलेट के अंदर कॉल कर दोगे index.html को और इतना लिख के आप जैसे ही रीलोड करोगे यू शुड गेट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। माई बुक रिकमेंडर, ग्रीन कलर का आपका बैकग्राउंड है और आपका ब्लैक पूरा बॉडी हो गया, ठीक है। अब मैं बस एक काम करूंगा, मैं कुछ मेन्यू आइटम्स ऐड कर दूंगा जिसका कोड ये है UL, उसके अंदर li, और इस ul को मैं क्लास दे दूंगा navbar-nav का। यहां पे मैं लिखूंगा होम, यहाँ पे आई वुड राइट रिकमेंड और यहाँ पे लिखूंगा कॉन्टैक्ट, ठीक है। वापस जाते हैं और ये फिलहाल ऐसा दिख रहा है, बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा है। एक काम कर सकते हैं, हम इस पूरी चीज को लिंक के अंदर डाल सकते हैं, लाइक दिस।
ये होम को उठाया, यहां पे डाल दिया, यहां और यहां। लेट्स गो बैक। ये देखो ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑल्सो यहां पर भी अगर हम पी के बदले ए डाल दें तो ये ज्यादा बढ़िया दिखाई देगा, ठीक है। ये रहा हमारा नेविगेशन बार, ठीक है। अब हम लोग बॉडी में जाएंगे यहाँ पर इस जगह पे, और अपनी टॉप 50 बुक्स को हम डिस्प्ले करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बहुत सिंपली नीचे जाना है और एक डिव टैग हमें क्रिएट करना है जिसका क्लास होगा कंटेनर। डिव क्लास होगा रो, डिव क्लास होगा कोल हाइफन 12, और यहां पे हम H1 में लिखेंगे टॉप 50 बुक्स। अगर हम वापस जाते हैं ये ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि वाइट कलर में हो तो हम यहाँ पर अपना खुद का CSS में लिख सकते हैं टेक्स्ट हाइफन वाइट, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कलर शुड बी वाइट लाइक दिस। और इस जगह पे आई कैन कम एंड आई कैन राइट क्लास टेक्स्ट हाइफन वाइट। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप चाहो तो फॉन्ट साइज भी थोड़ा बड़ा कर सकते हो बाय एडिंग अ स्टाइल टैग फॉन्ट हाइफन साइज कोलोन 40 पिक्सल्स, 50 पिक्सल्स, ठीक है, सही दिखाई दे रहा है। अब हम इसके नीचे कार्ड के अंदर हमारे हर बुक को प्रिंट करेंगे। तो हम यहाँ पे आएंगे इस जगह पे, यहाँ पर विल क्रिएट अ क्लास ऑफ पोल हाइफन 3। हाइफन 3 इसलिए दिया क्योंकि हम हर रो में चार बुक्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं। यहाँ पे फिर से हम क्लास में देंगे कार्ड। ये सब बूटस्ट्रैप है, बेसिक बूटस्ट्रैप है, बस आपको क्लासेस ऐड करनी होती हैं। अगर आपने कभी बूटस्ट्रैप नहीं पढ़ा है तो डरने की कोई बात नहीं है। इट्स बेसिकली एडिंग क्लासेस, CSS में जो क्लासेस होती हैं। यहाँ पे आप एक इमेज ऐड करोगे, इमेज का क्लास होगा कार्ड इमेज टॉप, और SRC में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और कोई भी एक इमेज प्रोवाइड करेंगे, जैसे पॉपुलर DF में इमेज हाइफन URL हाइफन M का 0th आइटम को निकाल रहा हूँ, ये फर्स्ट बुक का इमेज है, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया। वापस गए, रीलोड किया, ये देखो हैरी पॉटर इज द फर्स्ट बुक। ऑल्सो मुझे थोड़ा गैप चाहिए, तो व्हाट आई विल डू इज आई वुड राइट स्टाइल मार्जिन हाइफन टॉप 30 पिक्सल्स। नीचे आ गए हम लोग, और ज्यादा करना है तो आप 50 भी कर सकते हो, बेसिक वेब डेवलपमेंट चल रहा है अभी, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इमेज के नीचे जाना है और इमेज का मतलब बुक का नाम प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे H3 के अंदर लेट्स से हमने लिख दिया हैरी पॉटर, ठीक है। उसके बाद नीचे हमने P टैग में लिख दिया जो भी ऑथर है, JK रॉलिंग। उसके नीचे फिर से P में लिख दिया हमने वोट्स कितने पड़े हैं, लेट्स से मान लो 300 वोट्स पड़े हैं, और उसके बाद फिर से हमने P में लिख दिया रेटिंग मान लो 5.6 है, ठीक है। इतना इन्फॉर्मेशन हम डिस्प्ले करा रहे हैं लाइक दिस। इन सभी में विल एड अ क्लास ऑफ टेक्स्ट हाइफन वाइट ताकि कलर वाइट दिखाई दे फॉन्ट का लाइक दिस। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है। आप चाहो तो इसको थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो, दिस कुड बी H2, दिस कुड बी H4, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए।
सब टू यू। अगर आपको थोड़ा HTML CSS आता है तो आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है? ऐसा दिखाई दे रहा है। अब मुझे और बुक्स दिखानी है तो मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली इतना कोड रिपीट करने लग जाऊंगा, 1 2 4 5। ये देखो 5 किताबें, एक के नीचे एक आ गए। ऐसा तो नहीं चाहिए था मुझे। तो गाइज यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मैंने सही क्लासेस यूज नहीं की। यहाँ पे हम लिखेंगे MD3, कोल MD3, ठीक है? और अब मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा और पेस्ट करूंगा, एंड आई विल गो बैक एंड यू कैन सी ये दोनों साइड बाय साइड है, ठीक है? अगर मैं और ऐड करता हूं 4 और 5, तो यू वुड सी इट वुड लुक लाइक दिस, ठीक है? एक के नीचे एक हमारे पास चार चार किताबें आ रही हैं। अब मुझे बस क्या करना है, यहाँ पे ये जो डेटा है मेरे पास, ये जो पॉपुलर DF है, इसके अंदर की सारी किताबों का डिटेल्स लाना है और यहाँ पे डिस्प्ले करना है। ये हमारा नेक्स्ट टास्क है। तो गाइज हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो पॉपुलर DF है जो हमने बनाया था, इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर देंगे और उस फाइल को हम लोग लेके जाएंगे पाइचाम में। सो एक्सपोर्ट करना हमें आता है, हम पिकल यूज करेंगे और हम लिखेंगे पिकल डॉट डम्प। पॉपुलर DF को हमें एक्सपोर्ट करना है, नाम रख देते हैं पॉपुलर डॉट पीकेएल, राइट बाइनरी। इस कोड को हमने रन किया, यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास ये पॉपुलर डॉट पीकेएल बन गया। ये रही वो फाइल, इसको मैं कट कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? दिस इज द पॉपुलर डॉट पी के एल फाइल। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अनपैक करना है इसको। फॉर दैट वी वुड राइट पिकल एंड देन वी वुड राइट पॉपुलर DF इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड ओपन, हमारी फाइल का नाम है पॉपुलर डॉट पी के एल कॉमा रीड बाइनरी मोड में हम ओपन करेंगे, तो पूरा डेटा फ्रेम ओपन हो जाएगा। अब बस मुझे क्या करना है, ये जो HTML पेज है यहाँ पे मुझे अपने सारे कॉलम्स को एक एक करके भेजना है। सो व्हाट आई वुड डू इज आई वुड गो डाउन और मैं एक एक करके यहाँ से पहले मैं बुक नेम भेजूंगा लिस्ट फॉर्मेट में। तो मैं लिखूंगा बुक नेम इज इक्वल टू पॉपुलर DF का ये पहला कॉलम, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, बुक टाइटल। मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा, उससे नंपाई एरेज बनाऊंगा और उसको लेंथ लिस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा लाइक दिस, ठीक है? ये हो गई पहली चीज। और ऐसे मुझे चार और चीजें भेजनी है, सो आई वुड कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक है? बुक नेम के बाद आएगा ऑथर, उसके बाद आएगा इमेज, उसके बाद आएगा नंबर ऑफ वोट्स और लास्ट में आएगा रेटिंग, ठीक है? यहाँ पे आ जाएगा ऑथर, यहाँ पे आ जाएगा इमेज हाइफन URL हाइफन एम, यहाँ पे आ जाएगा नम वोट्स और यहाँ पे आ जाएगा एवरेज रेटिंग। यहाँ पे नम वोट्स नहीं होगा, नम रेटिंग्स होंगे, ठीक है? नम रेटिंग्स। तो ये हम सारे के सारे कॉलम्स को भेज रहे हैं यहाँ से, यहाँ पे हम रिसीव करेंगे, ठीक है? यहाँ पे फिलहाल मैंने 5 बना रखा है। अब हम 5 नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक ही बनाएंगे और उसको लूप में ट्रैवर्स करवा देंगे लाइक दिस। लेट मी शो यू, ये रहा। हम क्या करेंगे, इसके ठीक ऊपर यहाँ पे लूप चलाएंगे, जिंजा टेम्पलेट बोलते हैं इसको। हमें चलाना है फॉर आई इन
द रेंज ऑफ, वहां से कोई भी एक आय को उठाएंगे, लेट्स से हम बुक नेम को उठा रहे हैं और उसके लेंथ के ऊपर हम ये लूप चला रहे हैं, ठीक है। और जब भी आप लूप स्टार्ट करते हो आप उसको एंड भी करते हो, और अब आप क्या करोगे, इस पूरी चीज को कट करोगे और यहां पे डाल दोगे लाइक दिस। सो बेसिकली ये लूप जितनी बार घूमेगा उतनी बार ये पूरी चीज प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन पे। लेट्स सी, अगर मैं यहां पे जाता हूं और रन करता हूं, यू कैन सी ये 50 बार प्रिंट हो गया, ठीक है। अब बस मुझे क्या करना है, एक एक करके इन सब चीजों को एडिट करना है। सबसे पहले मैं इमेजेस को एडिट करूंगा। इमेजेस के लिए इमेज बोल के ये एरे है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा और जहां पे मैंने इमेज डाल रखा था इसके बदले आई वुड पुट दिस एंड आई वुड राइट इमेज का आई। लेट्स गो बैक, लेट्स रीलोड। ये देखो गाइस, सारी की सारी बुक्स का इमेज लोड हो गया, ठीक है। ऐसे ही मुझे नाम के लिए करना है, सो आई वुड कॉपी दिस और यहाँ पे मुझे बुक का नाम प्रिंट करना है। उसके लिए जो एरे है उसका नाम है बुक नेम, ऑथर के लिए ऑथर, लेट मी चेक ऑथर, ठीक है। उसके बाद वोट्स और इसके बाद रेटिंग, ठीक है। एंड दैट्स द कोड गाइस, ये रहा। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ बिकॉज नाम बहुत बड़ा बड़ा है, दैट इज वाई। एक काम करते हैं, इसको हम लोग पी बना देते हैं, लेट्स सी, ठीक है। आई नो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अच्छा नहीं है, बट यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। यहाँ पे ये इमेज लोड नहीं हुआ, बट यू गेट द आइडिया। ये हमारी सारी बुक्स आ रही हैं। थोड़ा सा हमने अगर डिजाइनिंग और अच्छे से किया होता तो ये इम्प्रूव हो जाता, बट अभी छोड़ देते हैं बिकॉज वेब डेवलपमेंट इज नॉट आवर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, मशीन लर्निंग इज। ये तो हम बस लोगों पर एहसान कर रहे हैं, ठीक है। सो जो भी है, हमारा पहला पार्ट हो गया है। होम सेक्शन इज रेडी, जहाँ पे हम टॉप 50 बुक्स दिखा रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो यू कैन अप्लाई राउंड फंक्शन एंड ऑल, ये सब आप कर लेना क्योंकि अदरवाइज ये बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, बट यू गेट द आइडिया, ठीक है। टॉप 50 बुक्स आ रही है। अब हमें क्या करना है, रिकमेंड वाले सेक्शन के ऊपर काम करना है, जहाँ पे रिकमेंड में कोई यूजर एक बुक का नाम टाइप करेगा और बदले में हम उसको 5 रिकमेंडेशन दिखाएंगे। नेक्स्ट गाइस, हम लोग GUI बनाएंगे हमारे सेकेंड पेज के लिए, जहाँ पे हम मूवीज बुक्स रिकमेंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक और HTML पेज बनाना पड़ेगा टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर। लेट्स कॉल दिस HTML फाइल recommend.html, ठीक है। मैं एक काम कर रहा हूँ, इनफैक्ट आई विल कॉपी दिस एंटायर कोड एंड पेस्ट इट ओवर हियर एज इट इज। बस कुछ चेंजेस कर दूंगा मैं, ऊपर सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या होगा, ये नहीं चाहिए मुझे, ये भी नहीं चाहिए, और ये पूरी चीज ऐसी दिखाई दे रही होगी, और इन सभी जगहों पे मैं फिलहाल कुछ लिख देता हूँ। यहाँ पे हम कोई URL डाल देते हैं, इमेज URL का M का 0, ये URL वापस यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे भी कुछ भी रख लेते हैं, और वोट्स और रेटिंग्स तो नहीं दिखाएंगे हम लोग, बस ऑथर का नाम रहेगा और बुक का नाम रहेगा और इमेज रहेगा, इतना ही दिखा रहे हैं फिलहाल। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जा रहे हैं और एक नया राउट क्रिएट करेंगे, @ app route, ये हो जाएगा अपना
रिकमेंड, एक फंक्शन बनाते हैं रिकमेंड, या यहाँ पे डालते हैं रिकमेंड यूआई, ये यूआई लोड करने का फंक्शन होगा, और हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं रेंडर टेम्पलेट रिकमेंड डॉट एचटीएमएल, ठीक है। और इस जगह पे हम क्या करेंगे, टॉप 50 बुक्स के बदले बोलेंगे रिकमेंड बुक्स, ठीक है। ऑल्सो व्हाट वी विल डू इस जगह पे हम लोग लिंक बना के डाल देंगे स्लैश होम पेज, और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे जो भी यहाँ पे है रिकमेंड स्लैश रिकमेंड, ठीक है। और ये सेम चीज को मैं कॉपी करूंगा और इंडेक्स में पेस्ट कर दूंगा ताकि दोनों पेजेस से लिंकिंग हो जाए लाइक दिस। और अब मेरा पेज कुछ ऐसा दिखेगा कि अगर मैं रिकमेंड पे क्लिक करूंगा तो रिकमेंड वाला जीयूआई खुल जाएगा, और होम पे क्लिक करने पे टॉप 50 बुक्स वाला खुल जाएगा, ठीक है। अब मुझे बस क्या करना है, रिकमेंड वाले जीयूआई में थोड़े चेंजेस करने हैं, जैसे कि हमें क्या करना है कि ये रिकमेंड बुक्स है ना, इसके नीचे हम एक फॉर्म बनाएंगे, और इस फॉर्म के अंदर आई वुड राइट इनपुट टाइप इक्वल्स टेक्स्ट, क्लास इक्वल्स फॉर्म कंट्रोल बी आर, और यहाँ पर होगा एक बटन टाइप सबमिट, और क्लास बी टी एन, बी टी एन लार्ज, बी टी एन वार्निंग, येलोइश शेड का बटन आ जाएगा, इट वुड लुक लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे आप मूवी का नाम टाइप करोगे फॉर्म कंट्रोल एल जी, लार्ज फॉर्म होता है इससे, कुछ हुआ नहीं, कीप इट, लेट्स कीप इट दैट पे ओनली, ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप टाइप करोगे, सबमिट पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे नीचे रिजल्ट्स दिखाई देंगे इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे रिजल्ट्स दिखाई देंगे नीचे, जहाँ पे ये एक रिजल्ट है, यहाँ पे मल्टीपल चार या पांच रिजल्ट्स दिखाई देंगे इस जगह पे, ठीक है। फिलहाल शुरू में कुछ भी नहीं दिखाई देगा, बट जैसे आप यहाँ पे टाइप करके सबमिट करोगे तो दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द जीयूआई। तो चलो गाइज, रिकमेंडेशन का पूरा फ्लो समझते हैं। सो कभी भी यूजर इस यूआई पे आएगा और यहाँ पर एक बुक का नाम टाइप करेगा, और जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेगा हम उसे नीचे चार बुक्स दिखाएंगे। आप दिखा कितने भी सकते हो, बट यहाँ पे चार एक बार दिखा सकते हो, तो मैं चार दिखा रहा हूँ। चार बुक्स का नाम आपको दिखाना है। अब यू थिंक, इफ यू थिंक केयरफुली, तो ये काम इस रिकमेंड फंक्शन का है। अगर आप इसको बुक का नाम देते हो तो इसी का काम है बाकी बुक्स का नाम दिखाना। देर इज ओनली वन डिफरेंस कि यहाँ पे हमें तीन चीजें चाहिए, हर बुक का नाम, उसके ऑथर का नाम और उसका इमेज। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा ये जो फंक्शन है ये अभी सिर्फ बुक का नाम रिटर्न करता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, और ये क्या करेगा, ये नाम के साथ साथ ऑथर का नाम और इमेज भी मुझे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो ध्यान से देखो, कुछ करना नहीं है खास। हम क्या करेंगे कि जैसे ही मुझे बुक का नाम मिलेगा, मैं क्या करूंगा, मैं बुक्स जो मेरा डेटा फ्रेम है उसके अंदर घुसूंगा, बुक टाइटल को मैच कर दूंगा इस चीज से लाइक दिस, और जिस भी रो में मैच हो रहा है हम उसको प्रिंट कर देंगे, उस पूरे रो को प्रिंट कर देंगे, ये देखो। बट इस अप्रोच में प्रॉब्लम क्या है कि हैरी पॉटर के तीन अलग बुक, नंबर थ्री के तीन अलग बुक्स आ रहे हैं। उसका रीजन ये है कि अलग अलग आईएसबीएन है, किताब सेम है, नाम सेम है, आईएसबीएन अलग है, तो ये क्राइटेरिया तीन रोज के लिए मैच कर रहा है। तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ एक, तीन नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ी देर के लिए इस पूरी चीज को एक टेम्प डीएफ बोल के डेटा फ्रेम में ऐड कर दूंगा, और फिर मैं क्या करूंगा, ड्रॉप डुप्लीकेट अप्लाई करूंगा,
ऑन टॉप ऑफ बुक टाइटल, ठीक है। और जैसे ही वो हो जाएगा तो फिर मैं बुक हाइफन ऑथर निकाल के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो प्रिंट किया, ये देखो गाइस, चारों ही ऑथर्स जेके रॉलिंग है, जो भी है मुझे ऑथर का नाम मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं चाहता तो यहाँ पे इमेज हाइफन यू आर एल हाइफन एम लिख करके सारे इमेज यू आर एल्स भी एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस लूप चलाने के पहले डेटा बोल करके एक लिस्ट बनाऊंगा और यहाँ पर आइटम बोल करके एक लिस्ट बनाऊंगा। और मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं लिखूँगा आइटम डॉट अपेंड। पहले मैं अपेंड करूंगा बुक का टाइटल, ठीक है। फिर मैं कॉपी अपेंड करूंगा बुक का ऑथर, और फिर मैं अपेंड करूंगा बुक का यूआरएल, ठीक है। और जैसे ये तीनों चीजें हो जाएंगी, मैं क्या करूंगा, मैं डेटा के अंदर अपेंड कर दूंगा आइटम को, ठीक है। और अब हम इसको रन करते हैं और ऑब्वियसली हमें रिटर्न करना होगा लूप खत्म करने के बाद वॉट एवर इज इनसाइड डेटा। ये देखो गाइस, ओ टाइटल का वैल्यूज को निकालना है, डॉट वैल्यूज अगेन, व्हाट इफ हम इन सबको इंटरनली लिस्ट में कन्वर्ट कर दें, लेट्स ट्राई दिस वन, लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि मुझे नंपाई एरेज नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे डिंजा टेम्पलेटिंग इंजन में प्रॉब्लम होगी। हाँ सही है, अब बस मैं अपेंड के बदले एक्सटेंड कर दूंगा, बिकॉज लिस्ट को अपेंड करने से 2D लिस्ट बन जाता है। एक्सटेंड एक्सटेंड, और ये देखो गाइस, ये रहा मेरा रिटर्न। सो जब भी मैं किसी मूवी के बारे में सर्च कर रहा हूँ तो मुझे एक 2D लिस्ट मिल रहा है, जहां पे हर 1D लिस्ट के अंदर एक, बार बार मैं मूवी बोल रहा हूँ बट इट इज अ बुक, तो हर बार एक जो लिस्ट है अंदर में उसमें एक बुक का डिटेल होगा, उसका नाम, उसके ऑथर का नाम और उसके बुक का इमेज, ठीक है। सो आई गेस आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं एक और दूसरी बुक ट्राई करूँ, लेट्स से मैंने ट्राई किया 1984, तो ये देखो अंदर की जो पहली लिस्ट में उसमें पहली किताब का डिटेल्स है, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का और फिर चौथे का, ये इस फॉर्म में मुझे डिटेल्स चाहिए थे, ठीक है। अब बस मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को उठाना है और इसको मुझे यहाँ लेके जाना है इस जगह पे, ठीक है। तो बस एक लास्ट चीज बच गई कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये कुछ चीजों को यूज कर रहा है, जैसे PT को यूज कर रहा है, सिमिलैरिटी स्कोर्स को यूज कर रहा है, बुक्स को यूज कर रहा है। तो ये तीन चीजें हमें एक्सपोर्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पिकल डॉट डम्प, सबसे पहले हम भेजेंगे PT को, और PT का नाम सेम ही रखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, PKL राइट बाइनरी मोड कॉपी। दूसरी चीज जो मुझे भेजनी है वो है मुझे बुक्स वाला डेटा फ्रेम भेजना है, इसका नाम भी हम रख देंगे बुक्स। तीसरी चीज जो मुझे भेजनी है वो है सिमिलैरिटी स्कोर, और इसका नाम हम फिर से सेम रख देंगे स्कोर्स, ठीक है। ये तीन फाइल्स में एक्सपोर्ट कर रहा हूं और ये तीनों फाइल्स यहां पे एक्सपोर्ट हो गई, सिमिलैरिटी स्कोर्स, बुक्स और PT, ठीक है। ये तीनों फाइल्स को मुझे उठाना है,
सबसे पहले मुझे उठाना है बुक्स डॉट पी के एल को, सिमिलैरिटी स्कोर्स को, पी टी डॉट पी के एल को कट करना है, पाईचार्म में लेके जाना है और पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये तीनों चीजें आ गई। एक बार मैं टॉप पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा पी टी इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड ओपन पी टी डॉट पी के एल इन रीड बाइनरी मोड, और ऐसा मैं दो बार और करूंगा, कॉपी पेस्ट पेस्ट। ये हो जाएगा अपना बुक्स बुक्स, ये हो जाएगा अपना सिमिलैरिटी स्कोर, और यहाँ पे भी आ जाएगा अपना सिमिलैरिटी स्कोर। ठीक है, ये सारा चीज खुल गया। अब बस हमें क्या करना है, ये यूआई को कंप्लीट करना है। सो होगा क्या, यहाँ पे यूजर जो डालेगा सबमिट करने पे मुझे वो डिस्प्ले करना है। तो कैसे होगा, बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक और रूट बनाएंगे, एप डॉट रूट रिकमेंड बुक्स बोल के, और यहाँ पे हम लिखेंगे रिकमेंड, फिलहाल सिंपली रिटर्न कर देते हैं हेलो। ठीक है, अब यहाँ पे सिंस हम फॉर्म से डेटा मांग रहे हैं तो मेथड्स हो जाएगा पोस्ट, ऑल्सो फॉर्म का डेटा लेने के लिए हमें रिक्वेस्ट चाहिए पड़ेगा, और हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हमने जो फॉर्म बनाया है इस जगह पे, यहाँ पे ये जो फॉर्म है इसको हम लोग एक्शन देंगे स्लैश रिकमेंड रिकमेंड अंडरस्कोर बुक्स, और मेथड हो जाएगा पोस्ट, या मेथड गेट भी रख सकते हैं, लेट्स कीप इट गेट, तो फिर हमें यहाँ पर ये प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, ये जो इनपुट है इसको एक नेम देना है, तो नेम हो जाएगा बुक नेम, या फिर इसको बोलते हैं यूज़र का इनपुट, यूज़र इनपुट। ठीक है, यही इस यूज़र इनपुट जाएगा और यहाँ पे रिसीव होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यूजर अंडरस्कोर इनपुट बोल करके एक नया वेरिएबल बनाना है, दिस विल बी रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट, जिस नाम से भेज रहे हो यूजर अंडरस्कोर इनपुट, और हम क्या कर रहे हैं यूजर इनपुट को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, सो अब क्या होगा, अगर मैं वापस जाऊं इस पेज को रीलोड करूं और यहाँ पे मैंने भेजा 1984, सबमिट पे क्लिक किया, बोल रहा है वैलिड रिस्पॉन्स नहीं है, एक काम करते हैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं एक्सप्लिसिटली, क्योंकि वो इंटीजर समझ रहा है शायद, लेट्स सी। जैसे हमने यहाँ पे डाला एनिमल फार्म, सबमिट पे क्लिक किया और यहाँ पे नन आ रहा है, नन क्यों आ रहा है, लेट्स चेक दैट। सो गाइज देर इज सम बग जो मैं रिजॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ अभी जल्दी जल्दी में, सो वट आई विल डू इज इंस्टेड ऑफ यूजिंग गेट आई विल यूज पोस्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बस फॉर्म में जाऊंगा और इस जगह पे मेथड में आई वुड जस्ट राइट पोस्ट, एंड फॉर दैट यहाँ भी हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेथड्स इज इक्वल टू पोस्ट। ठीक है, और दैट्स इट, बाकी सब कुछ सेम है। अगर मैं वापस जाऊं और रीरन करूं, जैसे मैंने 1984 डाला, देखो यहाँ पे 1984 मिल रहा है, अगर मैंने एनिमल फार्म डाला एनिमल फार्म मिल रहा है, सो बेसिकली यूजर का इनपुट मैं रिसीव कर पा रहा हूँ। अब बस मुझे क्या करना है, रिकमेंडेशंस निकालने, तो मैं क्या करूँगा कुछ नया नहीं करूँगा, आई विल गो बैक एंड ये जो अपना फंक्शन हमने बनाया है ना वी विल कॉपी दिस, पूरा कॉपी करने की जरूरत नहीं है, विल जस्ट कॉपी दिस मच एंड विल पेस्ट इट ओवर हियर। ठीक है,
यहाँ पे रिटर्न नहीं चाहिए. ऑल्सो बुक नेम के बदले आ जाएगा यूजर इनपुट. एनपी इंस्टॉल नहीं है. सिमिलैरिटी स्कोर्स क्यों नहीं आया? सिमिलैरिटी स्कोर लिखा है क्योंकि. ऑल्सो लेट्स इंपोर्ट नंपाई एज एनपी. ठीक है, अब देखते हैं. नीचे कुछ भी नहीं है, सब सही है, सब कुछ सही है. बस हम क्या करेंगे, इस लूप से बाहर निकल के एक बार लेट्स प्रिंट जो भी डेटा के अंदर है. ठीक है, सारा फंक्शन हमने एज इट इज बस पेस्ट कर दिया. वापस जाते हैं इस जगह पे और एक बार रीलोड मारते हैं. 1984 सबमिट. यहाँ पे 1984 आ रहा है, बट यहाँ पे रन में हमें सारा डेटा दिखना चाहिए. ये देखो गाइस, ये रहा वो सारा डेटा और यहाँ पे ये आ रहा है. ठीक है, ये डेटा आ रहा है. अब बस इस डेटा को मुझे लेके भेजना है कहाँ पर? फ्रंट एंड पे, इस जगह पे. ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करने के साथ साथ यहाँ पे लिखेंगे रेंडर टेम्पलेट रिकमेंड डॉट एच टी एम एल साथ में डेटा इक्वल्स डेटा. ये डेटा हम पास कर देंगे इस जगह पे. अब यहाँ पे ये डेटा आ रहा है. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे एंड विल चेक पहले तो कि डेटा है कि नहीं. तो हम लिखेंगे इफ डेटा एंड इफ. ठीक है, अगर डेटा है तो ही हम इस चीज को प्रिंट करेंगे. कट पेस्ट. ठीक है, अगर डेटा है मतलब डेटा का अगर कोई वैल्यू आया है तभी हम ये नीचे वाला कार्ड दिखाएंगे, अदरवाइज नहीं दिखाएंगे. ठीक है, सबसे पहला डिसीजन मेकिंग ये है. आई विल गो बैक इस जगह पे, लेट्स रीलोड. देखो वो जो डिस्प्ले हो रहा था वो डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि डेटा का वैल्यू नहीं है. बट जैसे ही मैं यहाँ पे 1984 लिखूंगा, सबमिट करूंगा, देखो डेटा का वैल्यू है इसलिए ये प्रिंट होने लग गया. ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, इसके अंदर एक लूप चलाना है. सो व्हाट वी विल डू इज विल रन अ लूप फॉर आई इन डेटा. जितना डेटा के अंदर है उतनी बार ये लूप घूमेगा. परसेंट परसेंट एंड फॉर. और ये जो पूरी चीज है इसको हम लोग कट करेंगे और यहां पे डाल देंगे. ठीक है, जितनी बार लूप घूमेगा उतनी चीजें यहां पे प्रिंट हो जाएंगे. लेट्स सी, अगर हम रिकमेंड पे जाएं तो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है. एनिमल फार्म पे गए, देखो चार चीजें आई इसलिए चार बार लूप घूमा, चार चीजें डिस्प्ले हो गई. अब बस हमें क्या करना है, यहाँ पे घुसना है, हमें लिखना है आई पहला आइटम का टू. देखो क्या होगा, मैं जा रहा हूँ रिकमेंड पे 1984 और ये डिस्प्ले नहीं हुआ. आई होगा हर आइटम और आई का टू सही तो लग रहा है. ओ ऑब्वियसली जिंजा टेम्पलेट का सिंटेक्स फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, वापस जा रहे हैं रिकमेंड पर, यहाँ पे टाइप कर रहे हैं 1984. ये रही हमारी चारों बुक्स. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हम लिखेंगे आई का जीरो, बुक का नाम आ जाएगा. और यहाँ पे हम लिखेंगे आई का वन, ऑथर का नाम आ जाएगा. चलो एक बार वापस जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एनिमल फार्म और ये रही चार किताबें. ठीक है, एक बार ये मिडनाइट को सर्च करते हैं. कॉपी पेस्ट, ये रहा. ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, दा विंची कोड को सर्च करते हैं. देखो एंजल्स एंड डेमॉन्स. हैरी पॉटर को सर्च करते हैं.
ये रही हैरी पॉटर की सारी बुक्स। सो ये रहा टॉप 50, यहाँ से आप रिकमेंड कर सकते हो। एंड दैट्स इट गाइस, दैट्स द प्रोजेक्ट। तो गाइस नेक्स्ट है इस प्रोजेक्ट को हेरोकू पे डिप्लॉय करना। डिप्लॉय करने के लिए आपको सबसे पहले दो काम करने पड़ेंगे। आपको एक प्रॉक फाइल बोल के फाइल बनानी पड़ेगी और उसके अंदर आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, आपको एक requirements.txt फाइल बनानी पड़ेगी, ये वाली, और इसमें आपको ये चार पैकेजेस का नाम लिखना पड़ेगा जो आपको हेरोकू पे इंस्टॉल करवाने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू रन योर ऐप, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है हेरोकू पे और वहां पे लॉग इन करना है। मैंने लॉग इन कर रखा है। और अब आप क्या करोगे, एक नया ऐप बनाओगे। इस ऐप का नाम रख लेते हैं बुक रिकमेंडर सिस्टम पाइथन, अवेलेबल है। क्रिएट ऐप पे क्लिक किया और ये हमारा ऐप बन गया। अब यहाँ पे आपको दो काम करने हैं। फर्स्ट, आपको गिट इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पे, ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। दूसरा, आपको हेरोकू का CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, ये भी आपको इंस्टॉल करना है। ये दो सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। इतना करने के बाद बस आपको क्या करना है, एक एक करके सारे कमांड्स रन करने हैं। सो यू विल गो टू योर प्रोजेक्ट का टर्मिनल, यू विल पेस्ट हेरोकू लॉग इन। ये हमने लॉग इन कर लिया। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले हम गिट इनिशियलाइज करेंगे हमारे प्रोजेक्ट में, हो गया। उसके बाद हम थर्ड कमांड रन करेंगे, डन। इसके बाद हम गिट ऐड करेंगे सारी फाइल्स को जो भी हमें अपलोड करनी है सर्वर पे। उसके बाद हम कमिट करेंगे और लास्ट में गिट पुश हेरोकू मास्टर करेंगे हम लोग और एंटर मार देंगे और हमारा सारा प्रोजेक्ट अपलोड होने लग जाएगा। एंड यू कैन सी हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो गया। दिस इज द लिंक, लेट्स ओपन इट। एंड यू कैन सी दिस इज द डिप्लॉयड प्रोजेक्ट। सब कुछ ठीक आ रहा है। द ओनली प्रॉब्लम इज इमेजेस लोड नहीं हो रहे। रिकमेंड पे जाते हैं, कोई एक बुक को सर्च करते हैं, रिकमेंडेशंस भी आ रहे हैं। हैरी पॉटर को सर्च करते हैं, रिकमेंडेशंस आ रहे हैं बट इमेजेस लोड नहीं हो रहे हैं। एक काम करता हूँ, मैं इंस्पेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये रहा, लिंक तो सही लोड हो रहा है। सो कॉपी किया इसको, पेस्ट किया, इमेज भी यहाँ लोड हो रहा है। दिस इज वियर्ड। व्यू पेज सोर्स, यहाँ पे सारे इमेजेस तो सही से लोड हो रहे हैं। ओके, आई हैव नो आइडिया ऐसा क्यों हो रहा है। तो ठीक है, एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी में हूँ जैसा मैंने आपको बताया। तो इट्स योर होमवर्क नाउ। सब कुछ ठीक है, प्रोजेक्ट पूरा अपलोडेड है, डिप्लॉयड है, बस इमेजेस लोड नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी ये पता चले तो प्लीज कमेंट्स में लिख के बताना। वैसे मैं ट्राई करूंगा इसको सॉल्व करने का, और अगर मुझे कुछ सॉल्व मतलब सॉल्यूशन मिलता है तो मैं भी कमेंट्स में डाल दूंगा, ठीक है। सो या दैट्स इट। सो दैट वॉज द वीडियो गाइज। आई होप यू लाइक्ड इट। काफ़ी मेहनत लगी है, प्लीज़ लाइक करना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।